देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन yes, अच्छा, शेयर है देखो हम लोगों ने एपी जो है वो कंप्लीट कर लिया था आज हम लोग सीक्वेंस सीरीज में जियोमेट्रिक प्रोग्रेस यानी कि जीपी स्टार्ट करेंगे ठीक है तो आज जो टॉपिक है सेम प्रोसेस में ही होगा लेकिन इसका कंसेप्ट अलग होगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन देखा जाएगा ठीक है तो यहां पर लिखते हैं जीपी जीपी पढ़ेंगे आज जियोमेट्रिक प्रोग्रेस ठीक है और यहां पर जियोमेट्रिक का मतलब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा जैसे एरिथमेटिक में एरिथमेटिक का मतलब था प्लस या माइनस यहां पर मल्टीप्लीकेशन होगा बेसिकली जैसे कि एग्जांपल देते हैं जैसे देखो टू ठीक है तो ये क्या है ये एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है कलेक्शन ऑफ नंबर जो कि एक जिसको सीक्वेंस तभी बोलेंगे अगर ये एक ही लॉ या रूल्स के हिसाब से फॉलो करके चल रहा है ठीक है तो यहाँ पर देखो टू से फोर ठीक है टू से फोर कैसे हो सकता है अगर तुम लोग यहाँ पर प्लस चेक करोगे तो ऐसा नहीं होगा देख सकते हो ये देखो और फोर में प्लस फोर करने से एट होगा ठीक है फिर यहाँ पर प्लस एट करने से सिक्सटीन होगा तो वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा उस तरह से भी हो जाएगा ये टू ये टू का स्क्वायर ये टू का क्यूब ठीक है ऐसे बोल सकते हो ये एरेथमेटिक प्रोग्रेस में भी चला जाएगा ठीक है ये एट हो जाएगा ये फोर हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा और एक तरीके से भी ये हो सकता है देखो यहां पर कैसे हो सकता है टू ऐसे देखो टू इंटू टू फोर हो गया फोर इंटू टू एट हो गया एट इंटू टू सिक्सटीन हो गया गुड इवनिंग विशन Good evening, en तो देखो और यहाँ पर जो मैंने बोला एरिथमेटिक जो मैंने यहाँ पर और एक बार भी तुम लोग को दिखाया ना तो तुम लोग ऐसे सोच सकते हो कि एक्चुअली कैसे हमें ये ऐसे अगर क्वेश्चन है तो कैसे करना है तो ये देखो इसका ओवरऑल कंसेप्ट लेकिन इसमें ही जाएगा है ना मल्टीप्लीकेशन में ही जा रहा है ठीक है सिर्फ डायरेक्ट अगर ऐसे करके देखोगे तो डायरेक्ट कोई रूल्स में नहीं आ रहा है ये मतलब प्लस टू प्लस फोर प्लस एट की तरफ अगर सिर्फ देखोगे तो ये उस रूल से नहीं हो रहा है अगर ऐसे देखोगे तभी जाके तुम लोग समझ पाओगे कि अच्छा ठीक है ऐसे करने से समझ में आ रहा है टू दी पावर वर्ड टू और थ्री मतलब actually rules जो है वो तो मल्टीप्लीकेशन वाला है मतलब multiplication वाला ही है ठीक है? इससे तो कोई rules नहीं हो रहा है है क्योंकि पहले प्लस आ, फिर प्लस फोर, फिर प्लस ऐट, ठीक है? तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ठीक है तो ऐसे देखो इस तरह से समझते इस क्वेश्चन को ठीक है तो यहाँ पर और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ठीक है ये एक एग्जांपल ले लिया ठीक है और एक एग्जांपल लेते हैं देखो ये देखो और एक एग्जाम्पल लेते हैं सपोज ये फाइव फिफ्टीन फोर्टी फाइव एंड वन थर्टी फाइव ठीक है अगर ये वाला देखो तो यहाँ पर कैसे करके हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन देखो कैसे हो रहा है फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन फिफ्टीन इंटू थ्री फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव इंटू थ्री ठीक है ये हो जाता है 135, ठीक है ऐसे करके हो रहा है तो यहाँ पर जो लॉ या रूल्स फॉलो हो रहा है इस सीक्वेंस में वो है मल्टीप्लीकेशन ठीक है अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन अगर ऐसे हो रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म ही बोला जाता है जैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेस में पहले टर्म को फर्स्ट टर्म बोला जाता है यहाँ पर भी ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म ठीक है इसे हम लोग फर्स्ट टर्म बोलेंगे यानी T1 ठीक है इसे T2 बोलेंगे इसे T3 बोलेंगे इसे T4 बोलेंगे सेम तरीके से ही होगा डॉट डॉट करके जितना दूर जाएगा उसे हम लोग लास्ट वाले को Tn बोल सकते ठीक है ऐसे करके लास्ट वाले को Tn बोल सकते ठीक है फर्स्ट टर्म को यहाँ पर भी इसका और एक नाम है इसका और एक नाम है ए यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म का और एक नाम क्या है ए है लेकिन यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री इसका भी कुछ नाम हमें देना चाहिए ठीक है इसका नाम क्या है इसका नाम है यहाँ पर कॉमन कॉमन रेशियो बोला जाता है ठीक है? है इसका नाम क्या रेशियो को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है कॉमन रेशियो को स्मॉल आर से डिनोट करेंगे ठीक है अब ये रेशियो क्यों हो रहा है देखो एक्चुअली ये थ्री कैसे आ रहा है थ्री कुछ इस तरीके से आ सकता है दे, देखो ऐसे करके एनी टर्म देखो लगभग फॉर्मूला जो है वो सेम कंसे में ही बना हुआ है ठीक है एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस यहाँ पर होगा एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म ठीक है चेक करके हम लोग देख सकते हैं जैसे पहले ले लो पहला वाला ये ले लो एनी टर्म यानी कि 15 उसके आगे प्रीवियस टर्म ले लो उस डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म थ्री हो गया या फिर एनी टर्म में 45 ले लो प्रीवियस टर्म ले लो तो भी थ्री आ जाएगा ठीक है या फिर 135 और उसके प्रीवियस टर्म 45 ले लो तो भी थ्री आ जाएगा क्या हम लोग फाइव नहीं ले सकते ले सकते एनी टर्म बट प्रीवियस तो कुछ है नहीं तो इसका तो आर निकलेगा नहीं रेशियो नहीं आएगा ठीक है तो आर कैसे कैलकुलेट करना है एनी टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म करके ठीक है इससे हम लोग आर कैलकुलेट करेंगे अच्छा तब यहाँ पर अगर चेक करो तो ये टी हो गया टी को हम लोग बोलेंगे ए ठीक है अब इसको अगर हम लोग सिक्वेंस में लिखते हैं तो टी का मतलब ए हो गया T2 का मतलब क्या हो जा रहा है T2 का मतलब देखो T2 कुछ इस तरह से कैलकुलेट हो रहा है a इंटू आर है ना a इंटू आर मतलब फाइव इंटू थ्री यानी फिफ्टीन ठीक है तो देखो ठीक से कैसे हो रहा है a इंटू आर हो रहा है ए आर ठीक है टी थ्री फिर कैसे होगा टी थ्री का मतलब ये देखो यहाँ पर ए का मतलब फाइव था ठीक है हम लिख के दिखाते ये देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ए का मतलब हम लोग का फाइव था ठीक है इस क्वेश्चन में ए का मतलब फाइव है और आर का मतलब थ्री है तो फाइव इंटू थ्री आफ्टर दैट यहाँ पर ये वाला कैसे हो जाएगा टी थ्री हम लोग कैसे कर सकते टी थ्री का मतलब हम लोग बोल सकते हैं फाइव इंटू थ्री इंटू थ्री ऐसे भी बोल सकते या फिर टी टू इंटू आर ऐसे भी बोल सकते हैं लेकिन हमें तो ए के साथ फॉर्मूला लेके चलना है ना हमेशा इंटू थ्री फोर्टी फाइव ठीक है तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं नेक्स्ट कुछ इस तरह से होगा ए इंटू आर इंटू आर यानी ए आर स्क्वायर बोल सकते हैं और इसको हम लोग उस क्वेश्चन से अगर रिप्रेजेंट करें तो फाइव इंटू थ्री इंटू थ्री यानी फाइव इंटू थ्री स्क्वे ठीक है एकदम इसी तरह से करके दिखा रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्टी फाइव ठीक है अच्छा अगर हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं टी फोर तो ये कितना हो जाएगा ए सेम कंसेप्ट देखो यहाँ पर थ्री है तो यहाँ पर पावर में टू है यहाँ पर टू है तो पावर में वन है यहाँ पर वन है तो आर का पावर जीरो पावर जीरो मतलब वन होता है आर का पावर जीरो मतलब जीरो नहीं होता है आर का पावर अगर जीरो मतलब जीरो हो जाएगा तो ए इंटू जीरो हो जाएगा ना ऐसा नहीं होता है ठीक है आर का पावर जीरो मतलब वन होता है वैसे नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा ठीक है जैसे आर के पावर वन लिखना मैंडेटरी नहीं होता है तो ए आर टू दावर क्यूब तो ये कितना आ जाएगा ये देखो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा फाइव इंटू थ्री इंटू थ्री इन थ्री ठीक है तो ये हो गया फाइव इंटू थ्री क्यूब यानी कि वन हंड्रेड थर्टी फाइव ठीक है वो तो हमारा ऑलरेडी हाँ पर क्या हुआ है ना तो ऐसे करके ही अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग का टी एन क्या आना चाहिए अगर इसी तरह से हम लोग चलेंगे डॉट डॉट करके तो टी एन आ जाना चाहिए ए इंटू यहाँ पर फोर था इसीलिए आर थ्री टाइम्स हुआ यहाँ पर एन है तो आर कितने टाइम्स होना चाहिए बोलो सोचो यहाँ पर अगर टू था तो आर वन टाइम हुआ मतलब एक बार कम हुआ यहाँ पर थ्री टर्म थ्री था तो आर का पावर टू आया कंसेप्चुअली आया हम अब फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो आर टी फोर था तो आर के पावर में थ्री आया तो टी एन है तो आर के पावर में कितना आना चाहिए बताओ टी एन है तो आर के पावर, पावर में बोल वो हे बोलो बोलो ए इंटू आर आर एर पावर आर माइनस वन एन माइनस वन ठीक है एन माइनस हाँ ठीक है बोले चलो ऐसे ये देखो सही हुआ है आर के पावर में आ जाएगा एन माइनस वन ठीक है एन होगा एन माइनस वन हो जाएगा तो ये हम लोग का बन गया क्या फॉर्मूला ठीक है ये कंसेप्ट है लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ कंसेप्ट से नहीं होता है तो थोड़ा सा इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं एक फॉर्मूला एक ओवरऑल समराइजेशन बना देते हैं ये समरी होता है बेसिकली है ना कि अच्छा ये ये रिसर्च चल रहा था अब इस पे क्या हो गया इस पे समरी बन गया समरी ये हो गया अब इस पे हम लोग कोई भी चीज पुट करेंगे तो हमारा वही आंसर आ जाएगा ठीक है हम लोग जो चाहते हैं तो ये ऐसे बनेगा तो टर्म टी एन का फॉर्मूला हो गया जियोमेट्रिक मीन में ए इंटू आर टू दावर एन माइनस वन ठीक है फॉर्मूला बन गया ठीक है अच्छा अब हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं वहां पर तुम लोग मुझे आर बताओ ठीक है एक एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल है टू माइनस सिक्स एटीन माइनस फिफ्टी फोर ठीक है मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आर कितना होगा बोलो आर थी? कितना होगा थ्री हाँ. कर लेते हैं तो गलत हो जाएगा माइनस थ्री होगा क्या हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा ठीक है माइनस थ्री सही आंसर होगा अगर हम लोग जल्दी में थ्री बोल देते हैं बाई चांस तो फिर लेकिन ये गलत हो जाएगा है ना तो ये हो गया हम लोग का आर का वैल्यू अच्छा अब देखते हैं यहाँ पर चलो और एक क्वेश्चन है यहाँ पर भी आर का वैल्यू चेक करते हैं चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं वन वन बाई टू वन बाई फोर वन बाई एट ठीक है यहाँ पर आर बताओ कितना होगा यहाँ पर आर बताओ कितना होगा टू वन बाई टू अच्छा एनी टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म हाँ वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस

তুমি ওটা অ্যারিথমেটিক মিন এর সাথে গুলিয়ে দিয়েছো এনি মাইনাস প্রিভিয়াস ওটা এপি তে না আজকে তো আমরা জিওমেট্রিক মিন শিখছি এটাতে দেখো কি লিখেছো খাতায় চেক করো আজকে তো আমরা প্লাস মাইনাস শিখছি না আজকে তো আমরা ডিভাইড শিখছি না ও ডিভাইড সরি ডিভাইড হুম তুমি ওটার সাথে গুলিয়ে ফেলছো ঠিক আছে कोई बात नहीं करते करते आदत हो जाएगा ठीक है अच्छा चलो अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ये यह वाला तो मैंने बता ही दिया चलो अब देखते हैं कोई एक एग्जाम्पल यहाँ से ये यह सब तो मैंने बता दिया हम्म अच्छा टर्म प्रोग्रेशन इज टू फिफ्टी सिक्स ठीक है तो एक बार क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखते हैं देखो एग्जाम्पल क्या दिया है कि ये एक प्रोग्रेशन है ठीक है वन टू फोर एट ठीक है वन टू फोर एट ऐसे दिया हुआ है वन टू फोर एट ठीक है फिर ऐसे करके यहाँ पर 256 लिखा हुआ है और पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन यहाँ पर लिखते हैं विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज ठीक है progression is, ये जो प्रोग्रेशन है ठीक है प्रोग्रेशन दिख रहा है यहां ये देखो ये एक प्रोग्रेशन हो गया ना यहाँ से लेके यहाँ तक बोल रहा है कि कौन सा विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 256 256 कितना नंबर टर्म है ठीक है इस प्रोग्रेशन का कितना नंबर टर्म 256 है क्वेश्चन समझ में आ रहा है जैसे ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है ये थर्ड टर्म है ये फोर्थ टर्म है वन टू थ्री फोर ऐसे करके तो ये कितने टी एन अगर होता है तो ये कितना नंबर है ठीक है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे आज जो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा उसी हिसाब से देखो ये जीपी का है तो हम जीपी फॉर्मूला लगा के कर रहे हैं लेकिन एग्जाम टाइम में तुम लोग को खुद से चेक करना पड़ेगा जीपी है कि एपी है ठीक है तो तुम लोग चेक कर सकते हो ठीक है अब देखो टी एन जीपी में क्या होता है आज हम लोगों ने जो सीखा ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन ठीक है अब ये अगर हम लोग मान लेते हैं कि टू फिफ्टी सिक्स टी एन नंबर है हमें तो नहीं पता कितना नंबर है हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए का वैल्यू क्या हो गया वन क्यों हो रहा है क्योंकि टी वन जो है उसी का और एक नाम ए होता है ये सारा चीज एपी के साथ सिमिलर होता है ठीक है जो भी हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो सिमिलर होता है एक्सेप्ट डी क्योंकि वहां पर कॉमन डिफरेंस होता है यहाँ पर कॉमन रेशियो और ये आर ही हमें याद दिलाएगा कि हमें यहाँ पर प्लस माइनस नहीं करना है क्योंकि आर का मतलब डिफरेंस नहीं है आर का मतलब कॉमन रेशियो है ठीक है और ये करते करते याद हो जाएगा आर अब यहाँ पर आर कैलकुलेट करो ए यानी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म यानी टू हो गया ठीक है मैंने टू और वन को लेके किया 2 टू दी पावर एन माइनस वन ठीक है अच्छा टू फिफ्टी सिक्स ठीक है वन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो उतना ही आता है तो ये 1 हट के मतलब वन इसके साथ मल्टीप्लाई करके टू टू दी पावर एन माइनस वन हो जाएगा अब टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स का मतलब कितना होता है कैलकुलेटर हो? मतलब पे चेक करके देखो ना होता है कितने का मल्टीप्लाई टू कितने बार मल्टीप्लाई करना ना, 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 है शायद टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट में ही हो रहा है ना हाँ में हो रहा है एट हो नाइन हो है, तो ये देखो ऐसे लिखेंगे रूट नहीं करेंगे रूट करने से प्रॉब्लम ये है कि फिर से हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे ठीक है रूट करने से प्रॉब्लम ये हो जाएगा रूट कर सकते हो लेकिन रूट करके हमारा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला ये देखो अगर रूट कर लेते हैं तो 16 आया लेकिन 16 से फिर ऐसे हो जाएगा सिक्सटीन इक्वल टू 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 दी पावर एन माइनस वन फिर हमें करना पड़ेगा टू टू दी पावर फोर इक्वल टू ऐसे ठीक है सॉरी टू टू दी पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर वैसे भी एक साइड में रूट तो कर नहीं सकते अचानक से ना पहला बात ये है पहला बात ये है कि एक साइड में अचानक से रूट नहीं कर सकते दोनों इक्वल का मतलब अगर इधर रूट होगा तो इधर भी रूट करना पड़ेगा लेकिन हम लोग टू को ऐसे जरूर लिख सकते हैं टू टू दी पावर एट ठीक है तो अगर टू टू दी पावर एट लिख रहे हैं अब इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं एट इक्वल टू एन माइनस वन ठीक है तो एट प्लस वन इक्वल टू एन देअ एन इक्वल टू नाइन इसको बोलते हैं कंपेयर करना ये तुम लोग नाइन टेन में भी किए हो गए इसको बोलते हैं कंपेयर करना ऐसे देखो ऐसे कंपेयर किया जाता है मान लो इधर है थ्री ठीक है और इधर है थ्री टू दी पावर टू और इधर है थ्री टू दी पावर एन तो हम लोग बोल सकते हैं ना टू इक्वल टू एन दोनों दोनों जगह से थ्री को हटा सकते हैं ठीक है इसको बोलते हैं कंपेयर करना ऐसा क्वेश्चन तुम लोग नाइन टेन में भी करते हो ठीक है अगर याद है तो अगर नहीं है तो हम बता देते हैं अभी देखो अगर दोनों इक्वल है मतलब इधर भी जितना वैल्यू इधर भी उतना वैल्यू दोनों इक्वल है तो अगर ये पावर भी इक्वल होगा तो ये टू टू हट जाएगा ना ये देखो ये कॉमन होके हट जाएगा या फिर इसका ऑपोजिट चीज भी होता है जैसे देखो यहाँ पर टू दी पावर फाइव है यहाँ पर टू दी पावर है तो हम लोग बोल सकते हैं मतलब टू दी पावर है तो हम लोग बोल सकते हैं टू इक्वल टू एक्स दोनों साइड से फाइव को एलिमिनेट कर सकते हैं ठीक है ऐसा भी होता है तो मैंने दोनों चीजें बता दिया तो फिलहाल ये वाला आया है तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने कंपेयर कर लिया दोनों को ठीक है दोनों से सिमिलर डेटा को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों

टू कितना हो गया देखो टू फिर इक्वल करो फोर हो जाएगा है ना फोर सेकेंड टर्म फिर थर्ड फोर्थ एट्थ सिक्स देखो नाइन्थ नंबर टर्म फाइव हंड्रेड ट्वेल्व आ गया अच्छा ये मेरा शायद एक बार ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया मैंने फर्स्ट टर्म तो मेरा वन था ये देखो फर्स्ट टर्म मेरा वन था ठीक है ये देखो वन इन टू टू करेंगे सेकेंड टर्म थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स नाइन नंबर टू फिफ्टी सिक्स आ जा रहा है हाँ टू फिफ्टी सिक्स ही तो होना चाहिए ठीक है टू फिफ्टी सिक्स ही तो होना चाहिए ठीक है तब मैंने शायद एक ज्यादा तो ये देखो तुम लोग कैलकुलेटर में भी चेक करके देख सकते हो ये कितना नंबर टर्म होगा ठीक है कैलकुलेटर में भी ऐसे एमसीक्यू है ना तो कैलकुलेट करके देख सकते हो कि नाइन्थ नंबर टर्म टू फिफ्टी सिक्स आ रहा है ठीक है अच्छा अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है यहाँ पर इंसर्ट थ्री जियोमेट्रिक मीन बिट्वीन वन बाई नाइन एंड नाइन ठीक है ये आ रहा है जियोमेट्रिक मीन ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेस का बात नहीं हो रहा है ये हो रहा है जियोमेट्रिक मीन तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है इंसर्ट थ्री जीएम थ्री जीएम मैंने शॉर्ट में लिख दिया बिटवीन वन बाई नाइन एंड नाइन ठीक है ये दोनों के मिडिल में तीन जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है तो एक दो

कर सकते हैं कैसे ये देखो t5 फॉर्मूला क्या, तो क्या है टी एन इक्वल टू एंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन ठीक है तो t5 का मतलब नाइन ए का मतलब वन बाई नाइन यहां दे रखा है A का मतलब 1 by 9, तो R 5 minus 1 मतलब तो फोर हो गया ठीक है अच्छा अब इसको इधर लेके आते हैं नाइन इंटू नाइन बाई वन हो जाएगा तो आर टू दावर फोर तो ये हो गया एट्टी वन एट्टी वन इक्वल टू आर टू दी पावर फोर तो यहाँ पर एट्टी वन को कैसे रिप्रेजेंट करें ताकि हमें आर का वैल्यू मिल जाए हम लोग लिख सकते हैं एट्टी वन को थ्री टू दी पावर फोर ठीक है अब देखो वो वाला कंसेप्ट आ गया अगर पावर इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल टू थ्री दोनों साइड से पावर इक्वल पावर को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं तो आर इक्वल टू थ्री हो गया और जैसे आर थ्री पता चल गया अब हम लोग यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन कर सकते कि क्या क्या वैल्यू हो जाएगा तो t2 कैसे होगा a इंटू आर तो a इंटू आर आर का वैल्यू कितना आया हम लोग का थ्री आया ठीक है तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगा वन बाई थ्री ठीक है ये हो जाएगा ए इंटू आर मतलब थ्री स्क्र यानी ये 1 हो जाएगा ठीक टी फोर का वैल्यू क्या हो जाएगा ए इंटू आर क्यूब आर क्यूब मतलब थ्री का क्यूब आर का वैल्यू थ्री आया था ना तो ट्वेंटी सेवन बाई नाइन मतलब थ्री हो जाएगा ये देखो तो इसका मतलब टी टू का वैल्यू हो गया वन बाई थ्री टी थ्री का वैल्यू हो गया One, और T4 का वैल्यू हो गया थ्री ठीक है तो देखते हैं ये देखो क्या क्या वैल्यू आया हम लोग का चेक करते हैं वन uh, और थ्री वन बाई थ्री वन और थ्री ठीक है सिंपल बस इसमें पुट कर दिया तुम लोग को दिख तो रहा है ना ये देखो वन बाई नाइन ए इंटू ये मैंने क्या किया टी टू का मतलब ए इन टू आर किया ठीक है ए आर किया ए का वैल्यू कितना था ये देखो ए का वैल्यू था वन बाई नाइन और आर का वैल्यू था इसीलिए दिख रहा है ट्वेंटी तो सेवन तो हो मतलब होता है तो ट्वेंटी सेवन बाई नाइन मतलब थ्री आ जाएगा ठीक है तो ये कैलकुलेट करोगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा ठीक है तो ये हो गया हम लोग का आंसर तो अगर हमें ऐसे करके मीन कैलकुलेट करने बोले जियोमेट्रिक मीन तो ये इस तरह से एक्चुअली जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करने से वो जीपी में ही आएगा तो ये आंसर होगा ठीक है अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या एग्जांपल है हाँ बोल रहा है कि फाइंड द जीपी वेयर फोर्थ टर्म इज एट एट टर्म इज 122 बाय 65 हमें 625 हमें पूरा जीपी कैलकुलेट करना है देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन फाइंड द जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेस ही हमें कैलकुलेट करना है फाइन जीपी जीपी फाइंड आउट करना है और कंडीशन क्या दे रखा है फोर्थ टर्म टी एट है टी फोर जो है वो एट है फोर्थ टर्म जो है वो एट है और यहाँ पर बोला है एट्थ टर्म एथ टर्म का मतलब टी एट t8 कितना है t8 देखो 128/625 by 128/625 128 by 625 है हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है पूरा का पूरा gp मतलब gp टर्म एक-एक कैलकुलेट -एक करना है ठीक है तो हमें t4 पता है ठीक है तो हम लोग इससे क्या कैलकुलेशन uh, कर सकते हैं देखो जितना हमें समझ में आता है उतना हम लोग आगे कर सकते हैं t4 का मतलब a r2 4 minus 1 ठीक है इक्वल 8 तो a r 3 8 हो गया सिमिलरली हम लोग ये t8 से कैलकुलेट कर सकते हैं देखो क्या कैलकुलेट कर सकते टी एट का मतलब हम लोग बोल सकते हैं ए इंटू आर टू दी पावर कितना हो जाएगा एट माइनस वन इक्वल टू वन ट्वेंटीड बाई सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी थोड़ा सा बोल सकते हिसाब से थोड़ा सा लेन दियाड ट्वेंटी तो अब जैसे वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन होने पर हम लोग दो इक्वेशन बना के सोल्व करते थे यहाँ पर भी दो इक्वेशन बना के सोल्व करेंगे ये इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू अब वहां पर हम लोग क्या करते थे इक्वेशन को प्लस या माइनस करते थे हमारे मतलब जैसे हमें ठीक लग रहा था उस हिसाब से वैसे यहाँ पर भी तुम लोग कर सकते हो कैसे 8 by, आ, 8 उस तरह से भी कर सकते हो जैसे ठीक लगे उस तरह से सॉल्व कर सकते हो या फिर सिंपल दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके भी कर सकते हो अगर हम लोग ए का वैल्यू टू में पुट कर देते हैं तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा एट इन टू आरक्यूब और r 2 डी पावर 7 डिवाइडेड इक्वल तू 128 डिवाइडेड बाय 625 हम लोगों ने क्या किया पुट कर दिया आ ए इक्वल तू 8 बाय r क्यूब इन इक्वेशन टू ठीक है तुम लोग कुछ अलग तरीके से भी चाहो तो कर सकते हो तो 8 इन टू ये हो गया r 2 डी पावर 4 ये 7 है ये 3 है तो ये नीचे तीन बार आर है और ऊपर सेवन टाइम्स आर है ठीक है तो फिर नीचे का थ्री टाइम्स आर से ऊपर का एटलीस्ट थ्री टाइम्स आर कैंसिल होने से फोर टाइम्स आर ही बचेगा तो वन ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी तो आर टू दी पावर फोर इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी इंटू वन बाई एट हो जाएगा अब इसको हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा देखो वन ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई एट क्या ये डिविजिबल होता है हाँ सिक्सटीन आता है ठीक है ये सिक्सटीन हो गया तो हम लोग इसको बोल सकते हैं फोर मतलब कितने को कितना डिजिट को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करने से सिक्सटीन होगा टू को टू को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो टू इन टू टू थ्री फोर ठीक है और फाइव टू दी पावर अगर लिखोगे तो वो सिक्स ट्वेंटी करते करते आदत हो गया तुम लोग को भी आदत हो जाएगा कैलकुलेटर यूज करके करो तो या फिर अगर अपने मेमोरी में रखे रखोगे तो वो तो ज्यादा अच्छा होता है ठीक है तो ये हो गया फाइव टू दी पावर फोर तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर्ट टू दी पावर फोर इक्वल टू टू बाई फाइव होल्ड टू दी पावर फोर कर दिया ठीक है मतलब two, two के पावर में भी फोर ये प्रेजेंटेशन करने का मैंने ये तरीका दिखाया वैसे तुम लोग को प्रेजेंटेशन का जरूरत नहीं है लेकिन इसका मतलब ये होता है Individually मतलब है ठीक इंडिविजुअली भी पावर फोर एक साथ भी करोगे तो वही है तो आर का वैल्यू हो गया टू बाई फाइव ठीक है हमें बोला था जीपी कैलकुलेट करके दो तो, अब आर का पता चल गया तो ए कैलकुलेट कर सकते हैं अब आर टू बाई फाइव है तो ए यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते इसमें पुट करके देयर फोर ए इक्वल टू एट और ये कितना है टू बाई फाइव ठीक है का तो ये हो गया 8, और ये हो हो गया गया और शायद क्यूब चेक कर लेते हैं फाइव का क्यूब उतना ही होता है हाँ अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं देखो एट इन टू वन ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई एट 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 कैंसिल तो ए का वैल्यू हो गया वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो जीपी में पहला पहला T1 125, दूसरा क्या हो जाएगा 125 into 2 by 5 ठीक है, तो दूसरा टर्म हो जाएगा 125 into 2 by 5, तो कितना क्योंकि A R होगा, तो ये हो गया 25 into 2, यानी 50 हो जाएगा, तो ये 125, ये 50 हो गया, और एक आगे अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 2 by 5 into 2 by 5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25, 125 डिवाइडेड होगा शायद हाँ फाइव होगा ठीक है तो ये हो गया फाइव तो ये ट्वेंटी हो जाएगा चेक करते हैं मतलब पहला टर्म वन ट्वेंटी फाइव दूसरा फिफ्टी और उसके बाद है ट्वेंटी देख लेते हैं हाँ ये देखो 125 50 20 ठीक है क्या ये हम लोग कैलकुलेटर में नहीं कर सकते कर सकते ये देखो ऐसे हो जाएगा 125 हो गया ठीक है सॉरी ये डिवाइड हो गया 125 हो गया अब इसमें क्या करना है सेकेंड टर्म हो जाएगा टू इंटू टू बाई फाइव तो इंटू टू बाई फाइव कर सकते हो बट प्रॉब्लम ये है कि वो पॉइंट में दिखा सकता है मे बी अच्छा नहीं दिखाया ठीक है आ, अब फिर से इंटू टू बाई फाइव फिर से इंटू टू बाई फाइव तो ये देखो ट्वेंटी दिख रहा है ठीक है फिर से इंटू टू बाई फाइव ठीक है फिर से इंटू टू बाई फाइव कैलकुलेटर में करके देखो एट आ, आ गया ठीक है उसके बाद वाला एट आ जाएगा चेक करते उसके बाद एट ही था हाँ। फिर इंटू टू बाई फाइव करोगे ना अब ये शायद पॉइंट में मे भी आ जाए ठीक है हाँ ये देखो थ्री पॉइंट टू और ठीक है सिक्सटीन बाई फाइव का मतलब थ्री पॉइंट टू होगा चेक करके देख लो सिक्सटीन बाई फाइव करके देख लो टू थ्री पॉइंट टू ही आएगा आ गया ना तो ये भी कैलकुलेटर में हो सकता है लेकिन जब पॉइंट आएगा हो सकता है तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ पॉइंट का वैल्यू सेम होगा कि नहीं वैसे कैलकुलेटर से चेक करके देख सकते हो ठीक है तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर हमें दो टर्म बता दिया था टर्म फोर और टर्म एट ठीक है और टर्म फोर को हम लोगों ने फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर दिया एक मिनट रुको सुबीर का लिंक काम नहीं कर रहा है अच्छा मैंने देखा ही नहीं গুড ইভিনিং সুবীর গুড ইভিনিং ম্যাম ম্যাম আগের লিংকটা কাজ করছিল না ও হ্যাঁ সামথিং ওয়েন্ট রং দেখাচ্ছিল হ্যাঁ তুমি আমাকে লিখেছো কিন্তু আমি জানি না কেন খেয়ালই করিনি আজকে কোনো কারণে মোবাইলটা আর ফোনটাও সাইলেন্ট করে দিয়েছি ফোন এসছে সেটা ফোনটা উল্টে দিয়েছি ওই কারণে বুঝতে পারলাম না আচ্ছা अच्छा देखो हम लोग जीपी कर रहे हैं ठीक है थीके? तो ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल टू भी हम लोगों ने कर लिया अच्छा अब इसके बाद आ रहा है सम ऑफ सीरीज आ रहा है लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये कर सकते हैं फिर उसके बाद सम ऑफ सीरीज का भी क्वेश्चन कर लेंगे ऐसा अच्छा नहीं अच्छा बता ही देते हैं सम का भी बता देते ठीक है सम ऑफ फर्स्ट एंड जीपी में कैसे होगा देखो ये भी बता देते हैं उसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अच्छा ये देखो जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं थ्री है सिक्स ट्वेल्व और ट्वेंटी फोर है ठीक है इसका अगर हमें बोले कि सम बताओ तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये जीपी में है चेक करो थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स इंटू टू ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर थ्री प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी फोर थर्टी और टेन हो गया ठीक है अब इसी चीज को अगर हम लोग फॉर्मूले में करेंगे तो क्या होगा ये देखो एस ऑफ एन इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है ए इन टू आर टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन इस पे पुट करके दिखाते हैं ठीक है ए का मतलब फर्स्ट टर्म ठीक है फर्स्ट टर्म का मतलब थ्री ठीक है ये टी वन यानी कि ए ठीक है ये थ्री हो गया आर टू दी पावर एन आर का मतलब कितना हो जाएगा टू ये क्या है ये सब आर है ठीक है ये क्या है ये सब आर है तो ये हो गया टू 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 दी पावर एन ठीक है एन मतलब कितने सारे टर्म है वन टू थ्री फोर ठीक है एन का मतलब फोर है फोर टर्म का हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर एस फोर कर रहे हैं है ना यहाँ पर माइनस वन कर दिया अब आर माइनस वन आर मतलब यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का टू माइनस वन ठीक है अब ये देखो थ्री इंटू टू टू पावर फोर का मतलब होता है सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन टू माइनस वन वन हो गया तो थ्री इंटू फिफ्टीन तो ये क्या हो जाएगा फोर्टी ठीक है है ये 45 आ गया अब क्या होता है ना एक फॉर्मूला बुक में दिया हुआ रहता है ये भी एक फॉर्मूला ही है बेसिकली देखो ये यहाँ पर क्या किया है देखो यहाँ पर थ्री मतलब पहला टर्म ठीक है पहले टर्म के साथ हमारा यहाँ पर एडिशन करके यहाँ पर फोर्टी फाइव यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है फॉर्मूला यूज़ करके और एक भी दिया हुआ हुआ रहता रहता है है और कुछ इस तरह से बोला हुआ रहता है कि आर लेस देन वन होने से ये वाला फॉर्मूला यूज करो और एक फार्मूला है लेकिन हम बोलेंगे की दो फॉर्मूला याद रखने का जरूरत ही नहीं है क्यों हम बताते हैं दूसरा फॉर्मूला ये होता है ठीक है वन माइनस आर तो ऐसे लिखा हुआ रहता है कि अगर आर ग्रेटर देन वन है तो ये फॉर्मूला यूज करो अगर आर लेस देन वन है तो ये फार्मूला यूज करो बट हमें जरूरत नहीं है क्यों इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है कैसे देखो अगर ये फॉर्मूले के जगह इस फॉर्मूले को यूज करके हम ये वाला फॉर्मूला दिखाते हैं देखो एस एन इक्वल टू ए हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे पावर ले तो एन ले तो हो गया और यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लिया तो वन माइनस आर हो गया ठीक है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया क्या बचा ए इन टू वन माइनस आर टू दी पावर एन और वन माइनस आर बच गया तो बेसिकली फॉर्मूला कुछ ये इतना कुछ मतलब अलग नहीं है सेम फॉर्मूले को ही थोड़ा सा चेंज करके दिया और बोला है आर ग्रेटर देन वन हो तो इसे यूज करो और आर लेस देन वन हो तो इसे यूज करो इसका बस एक ही रीजन है ताकि कैलकुलेशन करते टाइम माइनस ना आ जाए ठीक है अगर ये ज्यादा है वैल्यू क्योंकि पीछे वन ही है अगर ये वैल्यू ज्यादा है और हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते तो हमारा नेगेटिव आंसर आएगा और उसमें हमें माइनस जो है सही तरीके से कैलकुलेट करने आना चाहिए अदरवाइज रॉन्ग हो सकता है बट झूठ मूठ का इतना दो फॉर्मूला हम लोग याद रखने का कोशिश क्यों करें जबकि फॉर्मूला एक ही है ठीक है तो हमें जरूरत नहीं है लेकिन हाँ हम लोग क्या कर सकते हैं अगर ये थोड़ा सा हम लोग याद रख सकते हैं तो एक बेनिफिट हमें हो सकता है कि जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसके हिसाब से अगर हम लोग फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन में माइनस एवॉड हो सकता है मतलब कैसे एक एग्जाम्पल देने से समझो के अगर हम लोग ऐसा जैसे ये वाला देखो यही वाले क्वेश्चन को अगर हम ये फॉर्मूले से करते हैं ठीक है जैसे कि मैंने बोला सेम ही फॉर्मूला है तो दोनों फार्मूले से हमारा फोर्टी आंसर आना चाहिए ठीक है तो मैंने तो ये वाला फार्मूला यूज किया अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते तो भी क्या फोर्टी फाइव भी आएगा बिल्कुल फोर्टी फाइव भी आएगा चेक करके देख सकते हो ये देखो एस फोर ए ए का वैल्यू क्या है ए का वैल्यू है थ्री थ्री इंटू वन माइनस आर का वैल्यू कितना है आर का वैल्यू है टू ठीक है वो तो रहेगा टू टू दी पावर फोर ठीक है डिवाइडेड बाय वन माइनस टू अब यहाँ पर क्या हो जाएगा वन माइनस कितना हो जाएगा सिक्सटीन और यहाँ पर माइनस वन हो गया अब यहाँ पर थ्री और यहाँ पर माइनस फिफ्टीन हो जाएगा और यहाँ पर माइनस वन हो गया ठीक है तो यहाँ पर माइनस फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई माइनस वन माइनस माइनस कैंसिल फोर्टी फाइव हो गया अब क्या होता है ना बहुत से लोगों से ये गलती हो जाता है माइनस कैलकुलेट uh, करते हुए मान लो वन माइनस सिक्सटीन को कैलकुलेट तो फिफ्टीन की बट माइनस नहीं है, ऐसा हो सकता है ना तो फॉर्मूला एक ही है तो देखो यहाँ पर अगर हमारे आंसर आएगा, तो इसे गलत होने का चांसेस कम होता है। तो ये पीछे वन है तो पॉजिटिवली कैलकुलेट करने के लिए आर टू दी पावर माइनस वाला फॉर्मूला यूज करो और अगर आर लेस देन वन है वन से कम है ताकि आंसर हमेशा हमारा पॉजिटिव आए इससे क्या होगा मतलब कैलकुलेशन पॉजिटिव आंसर कुछ भी आ सकता है ठीक है वो तो डिपेंड कर रहा है कैलकुलेशन इजी uh, हो इस वजह से हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं अगर लेस देन लेकिन जरूरत नहीं है तुम लोग कोई भी एक फॉर्मूला याद रख सकते हो और अगर चाहो तो दोनों याद रख सकते हो क्योंकि दोनों एक ही फॉर्मूला है ठीक है कोई भी फॉर्मूला यूज करके करोगे आंसर एक ही जैसा आएगा इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग का आंसर अलग अलग आ जाएगा ऐसा नहीं होगा ठीक है अच्छा अब देखो इसको तुम लोग कैलकुलेटर में भी कर सकते हो ये थ्री सिक्स ट्वेल्व जो है इसको कैलकुलेटर में भी तुम लोग देख सकते हो फोर्टी फाइव आ सकता है ठीक है जैसे देखो थ्री इंटू टू ये देखो फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म है थ्री ठीक है हम ये लिख के दिखाते हैं थ्री इंटू कॉमन रेशियो टू हो गया सिक्स ठीक है इसके बाद इक्वल करेंगे देखो ट्वेल्व ठीक है अच्छा मेमोरी प्लस भी तो करना है क्योंकि मेरा तो जीटी फंक्शन है नहीं तुम लोग के कैलकुलेटर में अगर जीटी फंक्शन है तुम लोग जीटी फंक्शन यूज कर सकते हो जैसे देखो थ्री इंटू फर्स्ट टर्म आ गया मेमोरी प्लस सेकेंड टर्म मेमोरी प्लस थर्ड टर्म ठीक है अच्छा अब मेमोरी रिकॉल सॉरी थ्री इंटू टू सिक्स अच्छा ऐसे कर टू एक्चुअली uh, क्या हो रहा है थ्री इंटू टू करने पे तो आ जा रहा है लेकिन वो फर्स्ट टर्म काउंट नहीं हो रहा है एक मिनट थ्री इंटू सिक्स ऐसे करते हैं सिक्स फिर एटीन आ जाएगा नहीं पहले वाला ही मुझे पहले लिखना पड़ेगा थ्री इंटू कॉमन रेशियो टू अच्छा ऐसे करेंगे थ्री मेमोरी प्लस इन टू तब तो और भी नहीं आ रहा थ्री मेमोरी प्लस इन टू टू सिक्स मेमोरी प्लस ट्वेल्व मेमोरी प्लस ट्वेंटी फोर मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल फोर्टी फाइव की जगह सेवेंटी टू क्यों आ जा रहा है पता नहीं इसमें क्यों नहीं होता है मेरे से 3 memory plus into 2 6 memory plus equal 12 memory plus equal 24 memory plus equal 45 ha huh? ठीक है अच्छा ये देखो इस तरह से करना पड़ेगा हम फिर से दिखा देते यहाँ पर पहले मेमोरी हटाना पड़ेगा ठीक है जैसे यहाँ पर आ जाएगा दूसरे डेटा से मल्टीप्लाई हो जाता है तुम लोग ऐसे कर सकते हो पहले थ्री लिख लिए फर्स्ट टर्म फिर तुम लोग को क्या करना है थ्री में six करना है ये इसको कैलकुलेटर में कैसे कर सकते थ्री लिख लिए मेमोरी प्लस मतलब थ्री मेमोरी में जाके एड हो गया फिर इन जैसे ही टू कर दिए तो ये सिक्स आ गया सेकेंड टर्म मेमोरी प्लस मतलब थ्री में सिक्स एड हो गया फिर यहाँ पर इक्वल कर दो ऑटोमेटिकली थर्ड टर्म टू दिखेगा मेमोरी प्लस फिर इक्वल कर दो 24 फोर्थ टर्म दिखेगा उसको भी मेमोरी में डाल दो फिर इक्वल कर दो ठीक है फिर मेमोरी रिकॉल कर दो तो 45 ऑटोमेटिकली दिखेगा अगर तुम लोग के पास जीटी फंक्शन है कैलकुलेटर में तो और भी आसान होगा तब क्या करना पड़ेगा ये देखो अगर तुम लोग के पास जीटी फंक्शन है तो ऐसे करो 2 3 मतलब 3 2 ये आ गया 6 फिर इक्वल करो 12 फिर इक्वल करो 24 फिर कर दो जीटी ठीक है फिर कर दो जी टी अगर जीटी कर दोगे तो ऑटोमेटिकली फोर्टी फाइव दिखेगा अगर जीटी फंक्शन है तो इस कैलकुलेटर में जीटी फंक्शन नहीं है यहां पर जो मैंने ओपन कर रखा है और जिनके पास जो कैलकुलेटर में जी टी फंक्शन नहीं है वो इस तरह से करो वो इस तरह से करो ठीक है तब हो जाएगा इस तरह से करके देख सकते हो अच्छा नेक्स्ट देखते हैं यहां पर अच्छा यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन दिया था ये देखो फाइंड द सम ऑफ वन प्लस टू प्लस फोर प्लस एट टू एट टर्म्स कैसे होगा देखो वन प्लस टू प्लस फोर प्लस एट प्लस एट टर्म्स एट टर्म्स तक हमें एडिशन कैलकुलेट करना है तो एस ऑफ एट कैलकुलेट करना है तो हम कौन सा पावर फॉर्मूला लगाए ए इन अगर ये याद रहता है इसी को लगाओ मुझे तो ये एक ही हम याद रखते हैं इसी से मेरा हो जाता है तुम लोग का भी हो जाएगा ठीक है तो आर का मतलब टू बाई वन ठीक है एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म यानी टू 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 दी पावर एन एन का मतलब एट हो गया माइनस वन डिवाइडेड ठीक है तो वन डिवाइडेड बाई वन और टू टू दी पावर एट का मतलब कितना हो जाएगा ये देखो टू इंटू टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मतलब टू फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी सिक्स माइनस वन तो टू फिफ्टी फाइव टू फिफ्टी 5 हो जाएगा ठीक है तो टू फिफ्टी फाइव आंसर हो जाएगा अच्छा यहाँ पर बोला है यहाँ पर थोड़ा सा अलग पैटर्न से करना पड़ेगा ऐसा कुछ क्वेश्चन है हम दिखा देंगे जबकि वो एमसीक्यू के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है फिर भी हम दिखा देंगे यहाँ पर एग्जाम्पल टू थ्री जो है और एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे है ठीक है ये सारा क्वेश्चन ये वैसे है अच्छा हाँ यहाँ पर ये एग्जाम्पल सिक्स ये एक बार करना पड़ेगा ये वाला देखो और इसके मिडिल में जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग उस तरह के पैटर्न के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें करेंगे ठीक है जैसे कि five, five से ये वाला जो मैंने गैप रख दिया ठीक है तुम लोग भी याद रखोगे हम बता देंगे फाइव फोर थ्री टू ये हम लोग बाद में करेंगे ठीक है अच्छा अब देखो यहाँ पर फाइंड द फाइंड थ्री नंबर इन जीपी हुई प्रोडक्ट इज टू हंड्रेड सिक्सटीन ठीक है हमें नंबर कैलकुलेट करना है जो कि जीपी में है जिसका सम है 19 और प्रोडक्ट है 216 ठीक है सिक्स पर सोलूशन का प्रोसेस बता दिया है बट ऐसा क्वेश्चन जब एमसीक्यू में आएगा तुम लोगों के पास जीपी सीरीज ही रहेगा तीन नंबर का ठीक है तुम लोग उसको जीपी का रूल्स लगा के चेक करके देख सकते हो जो जीपी में रहेगा वही तुम लोग का आंसर होगा बाकी यहाँ पर सोल्व कैसे किया है वो हम बता देते हैं अगर तीन नंबर जीपी में है ठीक है इफ थ्री नंबर आर इन जीपी अगर तीन नंबर जीपी में है उनका अरेंजमेंट कैसे होगा जैसे तीन नंबर अगर एपी में है उनका अरेंजमेंट देखो लास्ट दिन हम लोगों ने यही वाला क्वेश्चन करके एपी कंप्लीट किया था ठीक है ए माइनस डी और ए और ए प्लस डी ठीक है आज हम लोग ऐसा ही एक क्वेश्चन यहाँ पर जीपी के लिए करेंगे अगर तीन नंबर जो जीपी में है अच्छा ये तो तीन नंबर बोला एक नंबर को डिवाइड करने नहीं बोला है अगर थ्री नंबर जीपी में है तो वो कैसे होगा ये ऐसे हो जाएगा ए बाई आर एक नंबर हो जाएगा ठीक है दूसरा नंबर क्या हो जाएगा ए और ए आर ठीक है ए और ए आर हो जाएगा इस तरह से A मतलब ये मिडिल वाला टर्म ठीक है मतलब ऐसा हो जाएगा उसके बाद वाला ज्यादा होगा मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके आगे वाला कम होगा हम लोग मिडिल वाला ए मान लेंगे मतलब वही एपी वाले क्वेश्चन के तरह ठीक है हम लोग मिडिल वाले वैल्यू को ए मान लेंगे जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है और उसके आगे का हमें कैसे मिलेगा एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म होता है ना तो ए बाई आर ठीक है यहां पर कॉमन रेशियो से डिवाइड और यहाँ पर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई होगा क्यों ये देखो जैसे कोई भी टर्म अगर ऐसे है जैसे कि मान लो टू फोर या फिर ऐसे टू सिक्स ठीक है तो ये सिक्स से अगर कैलकुलेट करेंगे इधर और इधर और कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस पैटर्न में हमें करना है ठीक है अगर तीन नंबर जीपी में होगा ऐसा क्वेश्चन दे देता है और उसके साथ हमें ये दे दे देता है वैसे तुम लोग का एमसीक्यू में इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अभी ये कंप्लीट होने से एग्जाम अपन सिख सम लोग एक्सरसाइज ही सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि तीनों का सम है 19। मतलब a by r plus a plus a r ये है 19। तीनों का सम है 19 और बोल रहा है प्रोडक्ट है 216। ठीक है प्रोडक्ट है 216। तो ये देखो a cube यहाँ पर आर आर कैंसिल ए क्यूब इक्वल टू टू हंड्रेड सिक्सटीन यहाँ से हम लोग ए कैलकुलेट कर सकते हैं ए का क्यूब इक्वल टू कितने वैल्यू का क्यूब टू हंड्रेड सिक्सटीन होता है ठीक है यहाँ पर देखो सिक्स का क्यूब यहाँ से देख के हम लिख दिए तुम लोग कैलकुलेटर में चेक करके देख सकते हो सिक्स का क्यूब होता है ये देखो टू हंड्रेड सिक्सटीन होता है ठीक है सिक्स का क्यूब तो ए इक्वल टू सिक्स आ गया ठीक है और जैसे ही ए इक्वल टू सिक्स पता चल गया हम लोग वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं आर का वैल्यू क्या हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया सिक्स बाई आर ठीक है ये हो गया सिक्स और ये हो गया सिक्स आर क्वल टू नाइनटीन तो सिक्स बाई आर प्लस सिक्स आर इक्वल टू हो जाएगा नाइनटीन और इधर सिक्स माइनस हो गया ट्वेल्व हो गया ठीक है अच्छा अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन uh, कर दो सिक्स आर स्क्वेर प्लस सिक्स होगा थर्टीन होगा ये वाला अच्छा थर्टीन होगा थर्टीन आर हो गया ठीक है अब इसको सॉल्व कैसे करोगे मिडिल टर्म करके कर सकते हो लेकिन मैंने जैसे बोला कि तुम लोग के पास तो ऑप्शन रहेगा एटलीस्ट इस चैप्टर में तो तुम लोगों को उस तरह से कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होगा ठीक है तो आर का वैल्यू तुम लोग को मिल जाएगा फाइंड आउट करोगे तो आर का वैल्यू मिल जाएगा वैसे मिडिल टर्म करके देख सकते हो ये देखो यहाँ पर कर रखा है कितने से मिडिल टर्म हो जाएगा हम लोग का ये फोर और नाइन ठीक है ये देखो थर्टी सिक्स हो गया कैसे मिडिल मिडिल टर्म फैक्टर हम लोग करते हैं ये देखो यहाँ पर थर्टी सिक्स हो जाएगा सिक्स इंटू सिक्स ठीक है तुम को यहाँ पर ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जिसको प्लस माइनस करके थर्टीन होगा और मल्टीप्लाई करने से थर्टी सिक्स होगा ठीक है हम लोग कैसे कर सकते हैं फोर ये देखो फोर नाइन माइन नाइन प्लस फोर करो ठीक है नाइन प्लस फोर करने से थर्टीन हो रहा है और नाइन इन फोर करने से थर्टी सिक्स भी होता है ठीक है तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए मिडिल टर्म में तो सिक्स आर स्कवाइनस नाइन आर माइनस फोर आर प्लस सिक्स इक्वल जीरो तो यहाँ से थ्री कॉमन ले लो होगा ये वाला तो लोग क्या कंक्लूजन ला सकते हैं टू आर माइनस थ्री इक्वल जीरो आर इक्वल टू थ्री बाई टू ठीक है थ्री आर माइनस टू इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू टू बाई थ्री अब आर इक्वल टू एक बार आया है हम लोग का थ्री बाई टू और एक बार आ रहा है टू बाई थ्री अब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन मुझे लगता है दोनों से ही आंसर आ जाएगा देख लेते एक बार ये देखो दोनों से ही आंसर आ जाएगा आर का वैल्यू अगर ये देखो क्यू दोनों से ही आंसर आ जाएगा अगर तुम लोग यहाँ पर ए ए का ए बाई आर लेते हो पहले सबसे पहले तो ए का वैल्यू तुम लोग का कितना आया था सिक्स आया था ठीक है सिक्स बाई आर अगर हम लोग ये वाला लेते हैं थ्री बाई टू तो यहाँ पर थ्री बाई टू हो जाएगा कॉमा सिक्स और उसके बाद सिक्स इंटू थ्री बाई टू तो आंसर क्या हो जाएगा सिक्स इंटू टू बाई थ्री तो ये फोर हो गया ठीक है ये सिक्स हो जाएगा ये हो गया थ्री मतलब नाइन फोर सिक्स नाइन ठीक है और इसी चीज पे अगर तुम लोग इसको टू बाई थ्री ले लेते हो तो टू बाई थ्री लेने से ये वाला हो जाएगा सिक्स डिवाइडेड बाई टू बाई थ्री कॉमा सिक्स सिक्स इंटू टू बाई थ्री तो ये कितना हो जाएगा पता है ये हो जाएगा सिक्स इंटू थ्री बाई टू तो ये नाइन आ जाएगा फिर सिक्स हो जाएगा और ये हो गया फोर ठीक है जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा ये फोर सिक्स नाइन ये नाइन सिक्स फोर अगर ऐसा होता है तो दो ऑप्शन होगा ऐसे एपी में भी एक क्वेश्चन आया था लेकिन मैंने तब भी बोला था अभी भी बोलेंगे कि एग्जाम एग्जाम में में तुम तुम लोग लोग का का ऐसा क्लैश नहीं होगा ठीक है है एक ही आंसर आएगा हो सकता है अभी यहाँ पर जो एक्सरसाइज है तुम लोग का दो दो आंसर आ जाए लेकिन एग्जाम में तुम लोग के पास ऐसे ऑप्शन रहेगा कि एक ही आंसर देना पड़ेगा क्योंकि वहां तो तुम लोग को ऐसे ऐसे करके टिक करना है तो दो आंसर में थोड़ी ना एक क्वेश्चन पे दो आंसर पे टिक कर सकते हो कर नहीं सकते हो तो वहाँ पर एक ही आंसर ऐसा होगा जो तुम लोगों को सही आंसर रहेगा और उसी को तुम्हें टिक करके आना है ठीक है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा लेकिन यहाँ पर फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस ऐसे दे रखा है ठीक है अच्छा अब हम लोग एक एक एक्सरसाइज एक में एक सोल्व करते हैं तो देखो पूरा कंप्लीशन हो जाएगा कि हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है तो सिक्स बी एक्सरसाइज सिक्स बी करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर वन ठीक है पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो सेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज इस सीरीज का सेवेंथ टर्म पूछ रहा है ठीक है तो यहाँ पर आर कितना हो रहा है ये देखो टर्म क्या लिखा हुआ है सिक्स ट्वेंटी एट ऐसे करके दे रखा है और हम लोग को पूछ रहा है टी सेवन बताने के लिए ठीक है टी सेवन मतलब ए इंटू आर टू दी पावर सेवन माइनस वन यानी ए मतलब सिक्स और आर आर का मतलब हो जाएगा टू देखो क्योंकि एनी टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म आर का वैल्यू ट्वेल्व बाई सिक्स यानी कि टू हो गया ठीक है और ये सिक्स आ जाएगा तो टू इंटू सिक्स तो ये कितना हो जाएगा देखो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्सटी फोर इंटू सिक्स ये हो गया 384, थ्री ठीक है 384. तो 384 का मतलब हम लोग का ऑप्शन कितना हो जाएगा ठीक है? ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन ए हो गया 384. इसको कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ये देखो सिंपल इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. सिक्स और हम लोग का uh, आर जो है वो टू है तो सिक्स इंटू टू तो ये हो गया ट्वेल्थ से ये हो गया सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म हम लोग को कितना बोला था फिफ्थ टर्म हमें सेवेंथ टर्म पूछा था फिफ्थ सिक्स सेवन सेवेंथ टर्म थ्री एट्टी फोर आ गया तो डायरेक्टली कैलकुलेट करके देख सकते हो इतना करने का जरूरत नहीं होगा ठीक है फिर भी एक बार फॉर्मूला याद रखो क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन पे हमें फॉर्मुला चाहिए टी पूछा है सेम सीरीज है देखो सेम क्वेश्चन है 6, 12, 24, फोर पूछा है तो टी क्या हो जाएगा ए इंटू आर टू दी पावर 8 माइनस वन ए क्या है 6 है सेम क्वेश्चन है ठीक है R का वैल्यू क्या है टू और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेवन तो बेसिकली क्या हो गया थ्री एट्टी फोर और इंटू टू हो जाएगा है ना मतलब इसमें और एक बार इक्वल कर दो तो आंसर आ जाएगा सेवन हंड्रेड सिक्सटी एट हो जाएगा ठीक है सेवन हंड्रेड सिक्सटी एट यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा टू टू दी पावर सेवन चेक करके देखो ना ऑप्शन बी हो जाएगा अच्छा फिर क्वेश्चन नंबर थ्री देखो क्या बोल रहा है T12 of the series. इस series का का पूछ रहा है, है? ठीक तो T12 का value कैसे कैलकुलेट होता है टी ट्वेल्व मतलब ए इंटू आर टू दी पावर ट्वेल्व माइनस वन ठीक है तो ए इंटू आर टू दी पावर इलेवन अब ए कितना है इस सीरीज में चेक करो ए है माइनस वन हंड्रेड ट्वेंटी एट ठीक है और आर कितना है आर का मतलब एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म अब यहाँ पर चेक करो एनी टर्म कितना है सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म कितना है 128. तो यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है मतलब प्रॉब्लम क्या ध्यान से कैलकुलेट करना पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो एनी टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म ये टू से ही डिविजिबल हो जाता है यानी माइनस वन बाई टू हो जाएगा आर का वैल्यू तो माइनस वन बाई टू टू दी पावर इलेवन हो गया ठीक है अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे माइनस वन ट्वेंटी पावर इलेवन और टू टू दी पावर इलेवन का मतलब कितना होगा टू इन टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ठीक है टू जीरो फोर एट या तो ऐसे कर लो या फिर इससे और एक आसान तरीका है ऐसे नहीं करके ऐसे भी कर सकते हो वन ट्वेंटी एट टू को कितना बार मल्टीप्लाई करने से वन ट्वेंटी एट आता है चेक करो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन टाइम ठीक है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे टू टू पावर सेवन ठीक है इन टू माइनस वन बाई टू टू पावर इलेवन तो ये देखो यहाँ पर कितना है माइनस टू टू पावर सेवन यहाँ पर कितना है माइनस टू टू दी पावर इलेवन है तो यहाँ पर कितना रह जाएगा नीचे ही वैल्यू रह जाएगा ये सेवन है ये इलेवन है तो नीचे कितना हो जाएगा बोलो नीचे कितना आ जाएगा बोलो कितना होगा ये अगर टू टू पावर सेवन फोर हो जाएगा ठीक है और ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा टू टू दी पावर फोर तो टू टू दी पावर फोर का मतलब आ, यहाँ पर कितना हो जाएगा सिक्सटीन वन बाय सिक्सटीन ठीक है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी बी नहीं बी में तो सिक्सटीन है सी हो जाएगा ठीक है ऑप्शन सी हो जाएगा देखो माइनस टू टू दी पावर सेवन का जो वैल्यू होता है माइनस और इसका मतलब अगर तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो कोई अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है टू टू दी पावर सेवन और इसका मतलब हो जाता है ये देखो वन टू दी पावर इलेवन और माइनस टू टू पावर इलेवन ठीक है ऐसे ही या फिर यहाँ पर भी यहाँ पर माइनस कोई एक ही जगह पे माइनस रख सकते हैं ना क्योंकि माइनस हाफ है इसीलिए ठीक है माइनस हाफ है कोई भी एक जगह पे माइनस रख सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से ठीक है माइनस टू टू दी पावर इलेवन ये ये वाला या फिर ऐसे करो ना वन के पावर में भी इलेवन है और टू के पावर में भी इलेवन है इंडिविजुअली हम लोग क्यों करें हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं ठीक है एक साथ भी कर सकते हैं कैसे भी करो या फिर तुम लोग अगर चाहो तो उसको आ, मतलब वन बाई टू को पॉइंट पे ट्रांसफर करके भी कर सकते हो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो ठीक है तो ऐसे हो जाएगा अच्छा ये हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन फोर्थ द फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज इस सीरीज का फोर्थ टर्म पूछा है यानी टी फोर पूछा है और टी फोर का मतलब ए इन टू आर टू पावर फोर माइनस वन ठीक है तो ए का मतलब कितना है ए का मतलब जीरो पॉइंट जीरो फोर ये देखो ए का मतलब है जीरो पॉइंट जीरो फोर आर आर का मतलब एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म तो आर कैलकुलेट कर लेते हैं आर का मतलब हो जाएगा एनी टर्म 0.02 एनी टर्म मतलब हम सेकंड वाला टर्म लिए हैं 0.02 और प्रीवियस टर्म 0.04 डिवाइडेड बाय 0.04 डिवाइड कर लो कैलकुलेटर में 0.02 डिवाइडेड बाय 0.04 तो ये आ जाता है 0.5 हा� पॉइंट फाइव टू पावर थ्री ठीक है अब इसको थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करो इनटू टू थ्री ठीक है पॉइंट वन टू फाइव पॉइंट जीरो फोर तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव ऐसा कोई ऑप्शन है मैम वो जीरो पॉइंट टू था ओरो पॉइंट टू था ओ अच्छा पॉइंट टू डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट जीरो फोर सिर्फ फाइव आ जाएगा तब अच्छा फाइव फाइव का क्यूब फाइव का क्यूब मतलब वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव इंटू जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव आ जाएगा आंसर फाइव है ऑप्शन में हाँ ऑप्शन सी ऑप्शन सी हो जाएगा फोर्थ का ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक है है अच्छा देखो ये तक जाएगा यानी करना है. Tenth term कैसे calculate करेंगे ए का वैल्यू कितना है सीरीज में वन हो जाएगा ठीक है वन इन टू आर का वैल्यू कितना है एनी टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म एनी टर्म टू लेते हैं प्रीवियस टर्म वन लेते हैं टू हो गया टू टू दी पावर नाइन तो टू टू पावर नाइन कितना होगा वही आंसर हो जाएगा टू इन टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स हंड्रेड ट्वेल्व कोई ऑप्शन है हाँ है ए ऑप्शन ए 512 ऑप्शन ए हो जाएगा ठीक है वैसे ये क्वेश्चन तुम लोग ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी देख सकते हो लास्ट टर्म क्या होगा यहाँ पर वन इंटू टू करके टेंथ टर्म तक ये देखो वन इंटू टू Second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, nine. Ninth ये होगा, ठीक है? वो one मैंने मल्टीप्लाई टू नहीं किया था ठीक है? इसीलिए एक घर कम हो गया था तुम लोग करके देखो कैलकुलेटर में वन इंटू टू थ्री फोर ऐसे करके नाइन्थ टर्म में तुम लोग का ये आ जाएगा सॉरी हाँ नाइन्थ टर्म में फाइव हंड्रेड ट्वेल्व आ जाएगा अच्छा अब सिक्स नंबर देखो सिक्स नंबर पे क्या बोला है द लास्ट टर्म ऑफ सीरीज़ सेवेंथ टर्म तक टी सेवन तक कैलकुलेट करना तो टी सेवन का मतलब ए इन टू आर टू दावर सेवन माइनस वन अब इस क्वेश्चन में सेवन ए कितना है वन है ठीक है वन आर कैलकुलेट करना पड़ेगा आर टू दी पावर सिक्स हो जाएगा आर कितना हो रहा है आर का मतलब एनी एनी टर्म 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 डिवाइडेड प्रीवियस ठीक है तो क्या है माइनस थ्री ले लेते हैं डिवाइडेड बाई वन लेते हैं ठीक है एनी टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म यानी माइनस थ्री आ जाएगा माइनस थ्री टू दी पावर सिक्स तो पॉजिटिव ही आएगा आंसर क्योंकि अगर हम लोग माइनस को इवन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा तो थ्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन देख लेते हैं ऑप्शन सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन यानी ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक है वन इंटू सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन यानी सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन ऑप्शन बी हो जाएगा अच्छा सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखो द लास्ट टर्म ऑफ सीरीज इस सीरीज का लास्ट टर्म ये सीरीज थर्टी वन टर्म तक जाता है ठीक है तो टी थर्टी वन तो ए इंटू आर टू दी पावर थर्टी वन माइनस वन ठीक है यहाँ पर ए कितना है ए है एक्स का स्क्वायर, ठीक है ए है एक्स का स्क्वायर इन टू आर कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये हो गया थर्टी आर मतलब एनी टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म ठीक है तो एनी टर्म कितना है एनी टर्म ले लेते हैं उसके आगे का टर्म है एक्स का square, तो डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर स्क्न बाई एक्स हो जाएगा नीचे दो एक्स है ऊपर एक एक्स है तो वन बाई एक्स हो गया तो वन बाई एक्स टू पावर थर्टी तो एक्स टू दी पावर टू यहाँ पर वही हो गया वन बाई एक्स टू दी पावर थर्टी देखो वन टू दी पावर भी थर्टी हो रहा है लेकिन वन टू दी पावर थर्टी मतलब तो क्या होता है थर्टी होता है ना इसको लिखने का तो कोई फायदा है नहीं वन टू दी पावर थर्टी का मतलब नहीं लिख रहे थर्टी तो एक्स है, है तो ये दो एक्स नीचे के दो एक्स के साथ कट जाएगा तो यहाँ पर ट्वेंटी एट ही बचेगा तो देखते हैं ऐसा आंसर सेवन का एक्स टू हाँ सी हो जाएगा देखो सेवन का सी हो गया तो ये सब क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली कैलकुलेटर पे ही तुम लोग आराम से कर सकते हो ये वाला नहीं होगा कैलकुलेटर पे एक्स वाला ठीक है इसको तुम लोग को फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर एट द सम ऑफ द सीरीज यहाँ पर बोला है सम कैलकुलेट करने टू सेवन टर्म्स सेवन टर्म्स तक सम कैलकुलेट करने बोला है यानी एस कैलकुलेट कैलकुलेट करने करने बोला है, of seven calculate करने बोला है 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 ठीक फॉर्मुला कौन सा लगाए देखो तुम लोग को जो ठीक लगता है लगा सकते हो A into हम ये लगा देते मुझे तो ये याद रहता है हम यही वाला लगा देते ठीक है मुझे माइनस भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकी तुम लोग जैसा ठीक लगे लगा सकते हो मैंने दोनों कंसेप्ट समझा दिया अच्छा ए का मतलब माइनस टू ए का मतलब माइनस टू हो गया आर फाइंड आउट करना पड़ेगा ठीक है और यहाँ पर अः जो एन है उसका वैल्यू है सेवन यहाँ पर आर कैलकुलेट कर लेंगे तो आर का मतलब वही एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म तो एनी टर्म है डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म यानी माइनस थ्री टू दी पावर सेवन यहाँ पर माइनस थ्री और माइनस वन ठीक है तो कैलकुलेट कर लेते हैं माइनस टू अब माइनस थ्री टू दी पावर सेवन का आंसर माइनस में ही आएगा क्योंकि ऑड है ठीक है सेवन मतलब ऑड है तो ये देखो ऐसे करके कर सकते हो या माइनस लगा के भी कर सकते हो अगर किसी को नहीं समझ में आता है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अरे ये काफी ज्यादा वो मेमोरी से मल्टीप्लाई हो गया थ्री इंटू टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हाँ टू वन एट सेवन ये माइनस में ही आएगा ठीक है माइनस में आएगा तुम लोग कैलकुलेटर पे करके देखो वहां मेमोरी प्लस होके रखा था तो वो इंटू होके काफी ज्यादा दिख रहा था माइनस फोर ठीक है माइनस माइनस कैंसिल हो गया अब यहाँ पर टू ये नीचे टू आ जाएगा ये माइनस करने से माइनस टू वन एट सिक्स डिवाइडेड बाई टू अब टू वन एट सिक्स डिवाइडेड बाई टू चेक करते टू वन एट सिक्स डिवाइडेड बाई टू वन जीरो नाइन थ्री माइनस वन जीरो ऑप्शन माइनस वन जीरो नाइन फोर है अच्छा वन जीरो नाइन फोर होगा ओ ये तो एट होगा हम माइनस कर दिए देखो हम खुद ही बोल रहे थे मेरे से ही गलती हो गया ये देखो ये दो माइनस है ना दोनों माइनस में प्लस हो जाएगा ना माइनस टू वन एट सेवन और माइनस वन है तो इसमें कैलकुलेशन तो प्लस का होगा तो माइनस टू वन एट एट हो जाएगा तो टू वन एट एट डिवाइडेड बाई टू करना चाहिए मुझे तब शायद आ जाए टू वन एट एट डिवाइडेड बाई टू करके देखते हैं कितना आता है वन जीरो नाइन फोर अब ठीक है वन जीरो नाइन फोर हो जाएगा वन जीरो नाइन फोर ठीक है माइनस रहेगा ये माइनस जो है तो माइनस वन जीरो नाइन फोर यानी कि ऑप्शन ए ठीक है ऑप्शन ए एट का ऑप्शन ए हो जाएगा अच्छा क्वेश्चन नंबर नाइन देखो क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या बोल रहा है The sum of the series two forty three eighty one. Ticket okay? two forty three eighty one. Two forty three eighty one uh twenty seven two. टर्म्स तक ठीक है टू एट टर्म हमें सम कैलकुलेट कैलकुलेट करना करना है मतलब A करना है मतलब तो ए मतलब टू हंड्रेड फोर्टी थ्री आर का मतलब यहाँ से चेक करो आर का मतलब एनी टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म टू फोर्टी थ्री ठीक है तो ये थ्री से डिविजिबल हो जाएगा तो वन बाई थ्री हो गया तो वन बाई थ्री टू दी पावर पावर एन, एन का मतलब एट ठीक है माइनस वन होल डिड बाई वन बाई थ्री माइनस वन ठीक है अब इस, इस का देखो, अब वो याद रखने से फायदा क्या है वो भी बताते है? वैसे problem कुछ नहीं होता है ठीक है सिक्स फाइव सिक्स वन सिक्स वन माइनस वन और यहाँ पर हो गया थ्री ले लेते वन माइनस थ्री तो टू फोर्टी थ्री इंटू सिक्स डिवाइडेड बाय माइनस टू बाई थ्री टू फोर्टी थ्री इंटू ये माइनस करने से हो जाएगा सिक्स फाइव सिक्स जीरो माइनस में आएगा डिवाइडेड बाय सिक्स फाइव सिक्स वन इन टू थ्री बाई माइनस टू कर देते माइनस माइनस कैंसिल हो गया ठीक है अब इसका इसका आंसर आंसर देखते कैसे फॉर्मेट में दे रखा है अच्छा ये वाला, इसका कुछ ये वाला कुछ भी हो सकता थर्टी सिक्स या फिर ऐसा कुछ हो सकता है चेक करते हैं क्या होगा इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को तो यहाँ पर चेक करते हैं ये मल्टीप्लाई कर लेते बेटर होगा इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेते हैं देखते कितना आता है टू फोर्टी थ्री इंटू सिक्स फाइव सिक्स जीरो इंटू थ्री टू फोर्टी थ्री इंटू सिक्स फाइव सिक्स जीरो इंटू थ्री ठीक है ये आ गया अच्छा अब डिवाइडेड बाय सिक्स फाइव सिक्स वन और टू ठीक है तो डिवाइडेड बाय सिक्स फाइव सिक्स वन और डिवाइडेड बाय टू तो आंसर आ रहा है 364.44 ठीक है इससे फायदा क्या हुआ देखो 364.44 मैंने ये लिख लिया इससे फायदा ये हुआ हम लोग चेक करके देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा जैसे 36 तो नहीं होगा कंफर्म है 36 एंड वन बाय नाइन को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं 36 इनटू नाइन प्लस वन ठीक है ये डिवाइडेड बाय कितना करेंगे हो अच्छा ये वाला देखते हैं थर्टी सिक्स इंटू थर्टी प्लस थर्टीन थर्टी सिक्स इंटू थर्टी जितना आया प्लस थर्टीन ठीक है जितना आ गया ये वाला ठीक है ये सॉल्व कर लिया डिवाइडेड बाई थर्टी डिवाइडेड बाई थर्टी करके देखते हैं नहीं 36.4 आ रहा है लेकिन हम लोग का आंसर है 364. समथिंग आया ठीक है तो इसका मतलब हम लोग का आंसर होगा डी नन ऑफ दिस इसका आंसर डी है ठीक है इसका आंसर डी है डी नन ऑफ दिस होगा ठीक है तो इतना बड़ा कैलकुलेशन को छोटा-छोटा मल्टीप्लाई करके तुम लोग कर सकते हो ऐसे 3 से डिवाइड करके चेक करके देख सकते हो लेकिन वो काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा ना इससे बेटर है पूरा कैलकुलेटर लो फटाफट कैलकुलेट करो और चेक करके देखो किसके साथ टैली हो रहा है अगर उसमें प्रॉब्लम होता है फिर इसको अलग अलग करके तुमको करके देखना पड़ेगा तब भी तुम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा इस ये सबको चेक करना पड़ेगा जैसे 36 तो इजीली समझ में आ रहा है कि 36 नहीं होगा ठीक है लेकिन बाकियों का देखो इजिली नहीं समझ में आएगा ये देखो बाकी जो है बाकी का इजीली नहीं समझ में आएगा बाकी को चेक करने के लिए अगर हम लोग उसको सिम्प्लीफाई कर भी लेते जैसे ये आंसर के साथ टैली होगा कि नहीं तो इसे हमें पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि टैली होगा कि नहीं तो वही जब मेहनत करना ही है तो बेटर ये है कि हम लोग इसको ही क्यों ना पॉइंट में कैलकुलेट कर ले और फिर चेक करे कि कौन से आंसर के साथ हमारा मैच हो रहा है ठीक है तो ये ऑप्शन डी होगा चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन अब ये देखो जैसे माइनस माइनस आया था ना इस पे अगर तुम लोग वन माइनस आर टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला लगाते हो तो तुम लोग का ये माइनस वाला जो प्रॉब्लम था ये नहीं होगा अगर ये किसी को प्रॉब्लम लगता है तो अदरवाइज एक ही फॉर्मूला याद रखोगे तो हो जाएगा यहाँ पर देखो आर लेस देन वन आया था इसीलिए ठीक है अच्छा क्वेश्चन नंबर टेन देखते क्वेश्चन नंबर टेन में क्या बोला है द सम ऑफ द सीरीज यहाँ पर भी 18 टर्म्स तक इस पूरे सीरीज का टर्म क्याल, सम कैलकुलेट करना है ठीक है तो 18 तो ए ऑफ़ 18 तो a इन इसमें करते हैं ये देखो आर आर टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन ठीक है अच्छा यहाँ पर a का वैल्यू कितना है a का वैल्यू है वन बाई ठीक है वन डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ थ्री और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म यानी वन डिवाइडेड बाय ये देखो आर का वैल्यू हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय वन बाई रूट थ्री तो वन इन टू रूट थ्री बाई वन यानी रूट थ्री हो गया आर का वैल्यू तो रूट थ्री टू दी पावर कितना हो जाएगा एटीन रूट टू दी पावर एटीन हो जाएगा माइनस माइनस वन हो गया ठीक है माइनस वन हो गया डिवाइडेड बाय रूट थ्री माइनस वन ठीक है डिवाइडेड बाय रूट थ्री माइनस वन बट यहाँ पर देखो आंसर कुछ इस तरह से है मतलब कुछ डिजिट्स में है उसके बाद कुछ ऐसा है या फिर ये डिजिट दिख रहा है तीन जगह पे कॉमन ठीक है नाइन एट फोर वन तो हमें इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा कि हमें डिजिट में आंसर मिल जाए ठीक है ताकि या तो हमारा ये तीन ऑप्शन में से कोई एक होगा अगर तीनों में से कोई भी एक होता है तो हमारा नाइन तो पक्का है आना ही चाहिए और अगर नहीं होता है नन ऑफ दिस होता है तो बात अलग है ठीक है हम तो लोग देखते हैं सॉल्व करके डिजिट में ट्रांसफर करके सॉल्व करके देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर कैसे सॉल्व हो जाएगा ये देखो ये कितना है ये है वन बाई रूट थ्री ठीक है अब रूट थ्री टू पावर एटीन इसका मतलब क्या होता है पता है थ्री बाई नाइन होता है क्योंकि देखो दो रूट थ्री को मल्टीप्लाई करने से अगर एक बार थ्री होता है सोचो दो रूट थ्री को मतलब रूट थ्री का स्क्वेयर मतलब अगर थ्री होता है तो इसका मतलब दो रूट थ्री मतलब एक थ्री तो एटीन रूट थ्री मतलब आधा देखो जस्ट इसका हाफ हो जा रहा है, है ना चार बार रूट थ्री होगा तो नाइन होता है तो इसका मतलब एटीन टाइम्स अगर रूट थ्री है तो वो थ्री टू दी पावर नाइन है हाफ हो जाएगा ना क्योंकि दो रूट थ्री से एक थ्री होता है क्यों होता है इसका ये होता है रूट थ्री का मतलब क्या होता है थ्री टू दी पावर हाफ होता है जब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है मतलब एज्यूम्ड की टू है ठीक है और फिर से एक रूट थ्री यानी थ्री टू दी पावर हाफ और पावर बेस एक जैसा होता है तो पावर एड हो जाता है ठीक है ये इंडिसिस तुम लोग करते हो नाइन टेन में इंडिसिस जो है उसके हिसाब से होगा तो यहाँ पर टू हो गया यहाँ पर वन प्लस वन टू हो गया तो टू बाई टू मतलब वन हो जाएगा टू बाई टू का मतलब वन हो गया इसीलिए थ्री टू दी पावर वन यानी थ्री तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री से कैसे थ्री होता है ये मैंने एक बार बता दिया ठीक है इसी तरह से रूट थ्री टू पावर एटीन मतलब थ्री टू पावर नाइन ठीक है रूट थ्री टू दी पावर एटीन करने से जितना आएगा थ्री टू पावर नाइन करने से भी उतना ही आना चाहिए माइनस वन ठीक है माइनस वन अब ये हो गया रूट थ्री माइनस वन अब वन बाई रूट थ्री थ्री टू दावर नाइन कितना थ्री इन टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अच्छा ये आ गया है नाइनटीन सिक्स एट्टी थ्री ठीक है तो नाइनटीन सिक्स एट्टी थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट थ्री माइनस वन तो वन बाई रूट थ्री ये हो गया नाइनटीन सिक्स एट्टी टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री माइनस वन ठीक है अब थोड़ा सा आंसर देखो आंसर यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर नाइन एट फोर वन जो जैसे कि मैंने बोला कॉमन दिख रहा है तो हमारा अभी भी ऐसा कोई डिजिट नहीं आया है ठीक है और यहाँ पर रूट थ्री है तो हम लोग क्या कर सकते हैं देखो या तो कैलकुलेटर लेके रूट थ्री का आंसर निकाल लो और अ... कैलकुलेट कर सकते हो जैसे देखो रूट थ्री का मतलब कितना होता है ये देखो रूट थ्री का मतलब थ्री और इस पे रूट लगाओ इतना होता है 1 अब ये -1 कर लो -1. लेकिन इसमें क्या होगा तुम लोग का आंसर मैचअप करने पर फिर यहाँ पर तुम लोग को कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा तो इसको अगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो अगर इसको कैलकुलेट कर ले तो, तो जल्दी हो जाएगा अब यहाँ पर कैलकुलेशन का एक रूल्स होता है देखो कैसे होगा यहाँ पर हो गया हम लोग का देखो वन बाय रूट थ्री और यहाँ पर हो

ठीक है तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टू टू कैंसिल हो जाता है तो इसीलिए सेम तरह के डेटा से मल्टीप्लाई करने से कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा और इससे हमारा बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पर नीचे कैलकुलेशन आ जाएगा अब देखो क्या कैलकुलेशन क्या होगा यहाँ पर तो वन बाय रूट थ्री हो गया अच्छा ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा वन अच्छा ये ऐसे ही रखते वन नाइन सिक्स एट टू इंटू रूट थ्री प्लस वन ठीक है और नीचे क्या हो गया देखो ये ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज ए स्क्स बी सा लेंदी है ये वाला. A B A B, तो ये प्लस बी ए माइनस बी में है तो इसे हम लोग ए स्क्र और बी में ट्रांसफर कर सकते हैं मतलब रूट थ्री का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर ठीक है अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वन बाई रूट थ्री वन नाइन सिक्स एट टू रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई ये हो गया थ्री माइनस वन ठीक है रूट थ्री का स्क्वायर मतलब थ्री माइनस वन यानी कि टू हो गया ठीक है अब देखो वन बाई रूट थ्री इन टू वन नाइन सिक्स एट टू इन टू वन इंटू रूट थ्री प्लस वन अच्छा इंटू रूट थ्री प्लस वन है ठीक है तो रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई टू ठीक है वन नाइन सिक्स टू डिड बाई टू देखो कितना होगा वन नाइन सिक्स टू डिवाइडेड बाई टू तो ये हो गया वन नाइन सिक्स टू वन नाइन सिक्स एट टू वन नाइन सिक्स एट टू डिवाइडेड बाई टू देखो नाइन एट फोर वन आ रहा है हम लोग के आंसर के साथ ये देखो न, ये हो गया फिर वन रूट थ्री ये इन टू ओके नाइन एट फोर वन इंटू रूट थ्री प्लस वन आई होप कि हमारा आंसर भी आ गया इसके साथ साथ ये देखो नाइन एट फोर वन इंटू वन प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई रूट थ्री ठीक है तो ये हो गया नाइन एट फोर वन इंटू रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय रूट थ्री ठीक है अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये एक ऑप्शन है जिनको सॉल्व थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता है अदरवाइज क्या कर सकते हो जैसे मैंने बोला कि कैलकुलेटर ले लो अपना और कैलकुलेटर लेके इस रूट थ्री का आंसर निकाल लो मिल जाएगा तुम लोग को यहां पर ही फिर माइनस वन करके देखो यहाँ पर एक पॉइंट में आएगा फिर वन बाय रूट थ्री करके इसको डिवाइड करके देखो एक आंसर आ जाएगा फिर तुम लोग को यहां पर भी सेम तरीके से कैलकुलेटर यूज करके इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा फिर इसको सॉल्व ये नहीं करना पड़ेगा ये

माइनस वन कर लिया अब जो भी आंसर आया रूट थ्री माइनस वन ये तो नीचे जैसे था वैसे ही लिखा देखो ये जैसे था यहाँ पर इसको सॉल्व किया सिंपल इसको सॉल्व करके माइनस करके जो भी आया बाकी जैसा था वैसे लिखा हुआ है देखो फिर यहाँ पर जो चीज किया उस पे ध्यान दो इसको बोलते कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना कॉन्जुगेट का मतलब यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस दो क्यों ताकि ये नीचे जो है एक डिजिट आ जाए रूट हट जाए यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ प्लस दो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस दो इससे क्या होगा हमेशा ये फॉर्मूले में आ जाएगा और ये फॉर्मुले में आने से हमारे हमारे पास एक होल नंबर आ जाएगा जैसे कि यहाँ टू आया इससे बेनिफिट क्या हुआ डिविजिबल हो गया तो अपने आप बस यहाँ पर एक मेहनत था बाकी देखो इजिली सोल्व होकर हमारे पास एकदम आंसर जैसा पैटर्न में है उसी तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा ठीक है नहीं तो फिर पॉइंट के साथ तुम्हें देखना तुम लोग को चेक करना पड़ेगा पॉइंट के साथ बार बार ठीक है और अगर मतलब पॉइंट में थोड़ा सा तो अप्रोक्सीमेशन आ जाता है तो उसमें थोड़ा सा देख के देखना पड़ेगा कि कौन सा सही आंसर हो रहा है बाकी ये भी उतना कुछ टफ नहीं है ठीक है ठीक है एक दो बार देखोगे ध्यान से तो समझ जाओगे अच्छा ये हो गया हम लोग का टेंथ नंबर क्वेश्चन फिर देखो क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या बोल रहा है द सेकेंड टर्म ऑफ ए जीपीज ट्वेंटी फोर फिफ्थ टर्म एट्टी वन सीरीज इज ठीक है तो सेकेंड टर्म बोला है ट्वेंटी फोर सेकेंड टर्म बोला है ट्वेंटी फोर और फिफ्थ टर्म बोला है एट्टी वन और हम लोग को पूछ रहा है द सीरीज सीरीज कौन सा होगा अब इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन रहेगा कौन सा ऐसा सीरीज है जो जीपी के तरह लग रहा है तो जीपी का रूल्स फॉलो होना चाहिए जैसे हम लोग पहला ऑप्शन ले लेते हैं हम दिखाते हैं यहाँ पर चेक कैसे करना है तुम लोग को पहला ऑप्शन ले लो पहले ऑप्शन में है सिक्सटीन पहले ऑप्शन पे है सिक्सटीन थर्टी सिक्स ट्वेंटी फोर फिफ्टी फोर ठीक है दूसरा ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन है ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स फिफ्टी थ्री ठीक है फिर फोर्थ ऑप्शन है सिक्सटीन ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्सटीन ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स डी है नन ऑफ दिस ठीक है ऐसे ऑप्शन दे रखा है हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा हम लोग का सही आंसर है कैसे चेक करेंगे हम लोग देखेंगे कि जीपी कैसे हो रहा है एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म तो थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय अगर सिक्सटीन करोगे तो ये हो जाएगा आ रहा है है ठीक अगर से से डिविजिबल करते मतलब 16 करने थर्टी सिक्स आएगा ठीक है मतलब नाइन बाई फोर तो उसके बाद भी नाइन बाई फोर होना चाहिए क्या नाइन बाई फोर करने से थर्टी सिक्स आएगा चेक करो थर्टी सिक्स इंटू नाइन बाई फोर तो ये एट्टी वन आ जा रहा है मतलब यहाँ पर ही ये वाला सीरीज जो है ये फेल हो गया ठीक है तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा ए बी में चेक करो 24 के बाद 36 तो 24 के बाद 36 कैसे आ सकता है तो ये देखो आर कैलकुलेट कर लेते एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म 3/2 तो 24 3/2 करने पे 36 आता है क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे तो 12 12 3 36 क्या 36 में 3/2 करने से 53 आ सकता है कभी भी चेक करके देखो फिफ्टी फोर आता है तो ये भी नहीं हुआ ठीक है ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया ये होगा चेक करके देखते हैं सिक्सटीन से अगर ट्वेंटी फोर जाते हैं तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर बाई सिक्सटीन थ्री बाई टू होगा ठीक है थ्री बाई टू होगा क्या 24 में मल्टीप्लाई करने से होगा देखते हैं यानी थ्री बाई टू मल्टीप्लाई करते हैं तो एटीन इंटू थ्री फिफ्टी फोर ठीक है तो ऑप्शन सी हो जाएगा तो तुम लोग इसको जस्ट यहाँ पर भी चेक करके देख सकते हो वैसे भी ये दिख रहा है ये जीपी नहीं होगा ये भी जीपी नहीं हो रहा है ये ही जीपी में है तो ये हो गया ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा तो तुम लोग को चेक भी करने का जरूरत नहीं पूरा लिख के ठीक है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा नहीं तो तुम लोग कैसे कर सकते हो अगर सॉल्व करके करना है तो ये टी टू टी टू मतलब ए इंटू आर टू दावर वन यानी कि ये ट्वेंटी फोर और टी फाइव मतलब ए इंटू आर टू दावर फोर यानी कि एट्टी वन है ना अब क्या करना है यहाँ पर ए इंटू आर ट्वेंटी फोर है अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा ये देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ये देखो ए इंटू आर टू पावर फोर अगर 81 है और यहाँ पर बोला है a इंटू आर ट्वेंटी है a r इंटू आर क्यूब कर लेते हैं ठीक है अब ये a इंटू आर मतलब 24 फोर ट्वेंटी फोर आर क्यूब इसका जरूरत नहीं है हम जस्ट एक बार दिखा रहे हैं तो 81 वन बाई ट्वेंटी ठीक है अब r को कैसे लिख सकते हो आर क्यूब यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ठीक है ये 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा ये 3 टू दी पावर 3 यानी r का वैल्यू 3/2 फिर वहां से a कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर सीरीज कैलकुलेट करना पड़ेगा बहुत टाइम टेकिंग है तुम लोग जस्ट एक बार प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो कि तुम लोग का एक फॉर्मूला याद हो जाए बट ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना है पूरा लिख के बिल्कुल नहीं करना है ठीक है बेकार में टाइम जाएगा ये देखो ये तुम लोग कर सकते हो अपने हिसाब से मैंने आर कैलकुलेट करके दे दिया ना आर का वैल्यू थ्री बाई टू आ गया अब यहाँ से तुम लोग को ए कैलकुलेट करना पड़ेगा ए कैसे कैलकुलेट करोगे ट्वेंटी फोर इंटू टू बाई थ्री हो जाएगा यानी कि सिक्सटीन अब जैसे सिक्सटीन आ गया उसके बाद सिक्सटीन इंटू थ्री बाई टू ठीक है ये थ्री बाई टू मतलब ही तो सही आ रहा है ना दिख रहा है अब इतना करने का कभी जरूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यू है तो तुम लोग इसी तरह से करोगे यही तुम लोग के लिए बेनिफिट होगा अच्छा अब देखो ट्वेल्व नंबर अब बोल रहा है द सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ ए जीपी इज थर्टी एंड देयर प्रोडक्ट इज सेवन ट्वेंटी जीपी में है ये इंटू नाइन करने से होगा ट्वेंटी 27. 27 में नाइन से तो तो होता है है तो ये जीपी में नहीं है. 9 से थ्री कैसे होगा नाइन डिवाइडेड बाई थ्री करने से थ्री होगा लेकिन थ्री डिवाइडेड बाई थ्री से तो वन होता है ट्वेंटी सेवन नहीं होता है तो ये भी जीपी में नहीं है तो थ्री से नाइन ये थ्री मल्टीप्लाई फिर यहाँ पर थ्री मल्टीप्लाई करो ट्वेंटी सेवन तो ये ऑप्शन सी सी जो है ये हम लोग का सही आंसर होगा जो कि जीपी सीरीज में है और ये वैसे ये कहीं पर भी ऑप्शन ले लो तीनों नंबर को ऐड करने से थर्टी नाइन ही आएगा चाहे ये ले लो चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो क्योंकि नंबर तो वही है और मल्टीप्लाई करने से सेवन ट्वेंटी नाइन होगा लेकिन हमें वो नंबर ढूंढने हैं जो कि जीपी में भी है और ये कंडीशन भी फुलफिल करेगा यानी ट्वेल्व का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ये देखो ऐसे फटाफट तुम लोग चेक करके देख सकते हो इतना लिख के करने का दरकार ही नहीं है हम तो एक बार फर्स्ट टाइम दिखाई इसको ऑप्शन लिख के इसीलिए मैंने दिखा दिया ऑप्शन सी होगा ये देखो तुम लोग कैलकुलेटर लेके ही देख सकते हो कि कौन सा जीपी में है कौन सा नहीं इस तरह से चेक करके देखोगे तो हो जाएगा ठीक है अच्छा फिर देखो क्वेश्चन नंबर थर्टीन में क्या बोला है इन ए जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म टर्म द मिडिल इज एक जीपी में है कोई एक सीरीज जीपी में है प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट फर्स्ट थ्री थ्री टर्म टर्म्स का ट्वेंटी सेवन बाई एट मिडिल टर्म क्या होगा तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में हमें हमेशा ऐसे देखना पड़ेगा ये देखो हम लोग मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म नॉर्मली कर सकते हैं क्वेश्चन को ये देखो लेट फर्स्ट टर्म ठीक है टी वन सेकेंड टर्म हम लोग बोल सकते हैं ए मतलब आर ठीक है ए इस वन यानी ए इंटू आर टू दावर टू ये हो जाता है टू माइनस वन यानी ए इंटू आर ठीक है अब हम लोग को बोल दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म तो फर्स्ट थ्री टर्म ए ए आर और ए आर स्क्वेर ठीक है प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन पहले तीन टर्म का मल्टीप्लीकेशन है सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन ठीक है सेवन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन अच्छा फिर हम लोग को बोल रहा है कि द नंबर आर ये नहीं सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म ट्वेंटी सेवन बाई एट ये मैंने पहला वाला लिख दिया ट्वेंटी सेवन बाई एट ठीक है ट्वेंटी सेवन बाई एट तो ये कितना हो जाएगा ए क्यूब तीन बार ए मल्टीप्लाई हुआ आर क्यूब और ट्वेंटी सेवन बाई एट अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते ए इन टू आर का होल क्यूब यहां पर हो गया थ्री बाई टू का होल क्यूब ठीक है क्योंकि थ्री को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ट्वेंटी सेवन और टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो एट हो जाएगा तो ए आर का वैल्यू हो गया थ्री बाई टू ठीक है अब हम लोग को बोला था मिडिल टर्म बोलो ठीक है ये देखो ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग को बोला था मिडिल टर्म तो हम लोग का आंसर आ गया है अगर तुम लोग देखोगे तो सही तरीके से क्यों बोलो क्योंकि मिडिल टर्म का वैल्यू क्या होता है मिडिल टर्म का मतलब सेकंड टर्म सेकेंड टर्म का वैल्यू ही तो ए आर होता है हम लोग ऑलरेडी ए आर कैलकुलेट कर चुके हैं तो एआर का वैल्यू थ्री बाई टू यानी थ्री बाय टू ऑप्शन अगर है तो ये हम लोग टिक करेंगे थ्री बाय टू यानी ऑप्शन ए थर्टीन का ऑप्शन है इसको और आगे करके देखने का ही जरूरत नहीं है यहां पर फिर से ए कैलकुलेट करोगे क्यों करोगे जरूरत ही नहीं है ठीक है ए कैलकुलेट करके फिर आर कैलकुलेट करके कोई जरूरत नहीं ए आर हम लोग का मिडिल टर्म होता है ए आर कैलकुलेट हो गया तो हम लोग का मिडिल टर्म भी कैलकुलेट हो गया अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो

फिर फोर वन टू फोर अच्छा वन टू फोर एंड सो ऑन और इसी तरह से चल रहा है तो पहले दिन वन उसके दूसरे बाद टू मतलब डबल हो गया फिर उसके बाद फोर फिर उसके बाद इसका मतलब कितना आना चाहिए सो so ऑन मतलब एट हो जाएगा ऐसे तो वन इन टू देखो टू पैसा टू इंटू टू फोर पैसा फोर इंटू टू एट पैसा इस तरह से हम लोग का सेविंग्स चल रहा रहा है है अब आगे क्या बोल रहा है? देखो देन योर टोटल सेविंग इन टू वीक्स टू वीक में हम लोग का टोटल सेविंग्स क्या होगा देखो काफी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन टोटल सेविंग्स मतलब हमें टोटल पूछ रहा है देखो मान लो हमारे पास एक पिगी बैंक जो बोलते हैं वो है ठीक है वहां पर हम लोग पैसा सेव करके रख रहे हैं टू वीक बाद हमारे पास कितना पैसा आ जाएगा यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से सेव कर रहे हैं ठीक है थीके? तो इसका मतलब हमें टोटल पूछा है तो सम पूछा है कि टोटल कितना पैसा होगा टोटल कैसे कैलकुलेट करोगे पैसा निकाल के एड करते रहोगे देखोगे की कि कितना टोटल हो रहा है तो हम लोग को एड करना है ठीक है टू वीक्स मतलब 14 डेज का टोटल बोला क्योंकि हम लोग पैसा डिपॉजिट पर डे कर रहे हैं ठीक है थीके? तो पर डे के हिसाब से पैसा डिपॉजिट है पैसा सेव हुआ है इसका मतलब टू वीक्स यानी हम लोग को 14 डेज का क्यों डेज में मैंने कन्वर्ट कर लिया क्योंकि यहाँ पर सेविंग्स डेज में हम लोगों ने दिखाया है ये जो टू टाइम्स टू टाइम्स करके हो रहा है ये डेज में हो रहा है तो हम लोग 7 सा, और 7 14 क्योंकि वन वीक इक्वल टू सेवन डेज तो हम लोग सेवन प्लस सेवन फोर्टीन डेज का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा अब एस फोर्टीन क्या होता है ए इन टू क्या हो जाएगा आर टू दी पावर एन माइनस वन

थाउजेंड थ्री हंड्रेड एट्टी फोर माइनस वन ठीक है तो ये हो जाएगा सिक्सटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एट्टी थ्री ये वन वन कैंसिल हो गया एट्टी थ्री हो गया है. इतना पैसा ठीक है ये मतलब रुपए मत सोचो कि इतना कम जमा करने से इतना कैसे बन गया ये पैसे में आंसर दिया हुआ है तो हम लोग को रुपीज में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा देखो रुपीज दे रखा है तो डिवाइडेड बाई हंड्रेड करो तो कितना हो जाएगा 163.84 163.84 यानी मेरा तो 83 आया 83 होगा क्या मेरा एट अच्छा एट थ्री तो आया अच्छा मैंने वहाँ पर माइनस वन नहीं किया था ना कैलकुलेटर में फिर मैंने उसको ऑप्शन यहाँ पर लगा दिया था ये देखो एक्चुअली मैंने वन सिक्सटी थ्री अच्छा नहीं ठीक ही 163.83 होगा ये देखो ये माइनस नहीं किया था मैंने डायरेक्ट एट्टी फोर पे डिवाइडेड बाय हंड्रेड कर दिया था यहाँ पर माइनस वन भी तो होगा तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वन सिक्सटी थ्री पॉइंट एट थ्री ठीक है और ये ऑप्शन है वन सिक्सटी थ्री पॉइंट एट थ्री का मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक है ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा अच्छा इसके बाद ये देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन और सिक्सटीन ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल में भी है जो मैंने अभी नहीं करवाया तो फिफ्टीन करवा देंगे तो तुम लोग एग्जाम्पल वाला भी कर पाओगे लेकिन हमें क्या करना है ना ऐसे करना है कि ताकि हम लोग एमसीक्यू हिसाब से थोड़ा सा जल्दी कर सके देखेंगे कितना क्योंकि ऐसे ये एमसी के लिए बिल्कुल आ, मतलब प्रेफरेबल नहीं है ऐसा क्वेश्चन काफी टाइम टेकिंग है ठीक है फिर भी हम लोग करेंगे दिया हुआ है तो दो क्वेश्चन है करके देखेंगे ठीक है लेकिन आज नहीं करेंगे आज हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जो आज के पैटर्न के ऊपर जाता है तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन Question number 17 में देखो क्या बोला है है बोल रहा है कि कोई एक आ, नंबर कुछ नंबर जीपी में है उसका फर्स्ट ट्वेंटी टर्म्स का सम जो है वो 244 टाइम्स मतलब इतने गुना है टाइम्स सम ऑफ इट्स फर्स्ट फर्स्ट टर्म्स टर्म्स तो से इतना ज्यादा है ठीक है तो ये हो जाएगा मतलब अगर मान लो कोई दो टर्म का ऐसे एग्जाम्पल से समझो कि अगर कोई दो टर्म का एडिशन अगर कोई दो टर्म का एडिशन फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो दो टर्म का एडिशन टेन है तो अगर उसका हम लोग फोर टर्म्स का एडिशन करते हैं तो उसका डबल है मतलब टर्म्स का लो 20 है, तो ये डबल है थीके? इस तरह से जीपी तो इज अगर कोई जीपी का सम ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी टर्म्स एस ट्वेंटी होता है वो कितना गुना है टू फोर्टी फोर्थ टाइम्स है इसके फर्स्ट टेन टर्म्स है टू फोर्टी फोर्थ टाइम्स है तो फर्स्ट टेन टर्म्स का टू फोर्टी फोर

इसका इसका वैल्यू क्या होगा? हो जाएगा टू फोर्टी फोर इंटू ए इंटू आर टू दावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन ठीक है दोनों साइड में फॉर्मूला एक ही होगा अब चेंजेस कहां पर आएगा आर एन के वैल्यू पे ठीक है तो दोनों साइड से हम लोग क्या हटा सकते हैं टू दी पावर हटा सकते हैं क्या ये नहीं हटा सकते नहीं हटा सकते क्योंकि यहाँ पर एन का वैल्यू ट्वेंटी हो जाएगा अभी इसको लिखने से ही समझ जाओगे या फिर ऐसे कर देते हैं ये अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे करते हैं इस पे लिख लेते हैं ये ट्वेंटी हो गया नेक्स्ट लाइन पे ठीक है ये देखो आर माइनस वन टू फोर्टी फोर इन टू ए आर आर टू दावर ट्वेंटी सॉरी ट्वेंटी नहीं ये टेन हो जाएगा टेन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन तो बोथ साइड से ये और ये हट हट जाएगा जाएगा ये ये और ये हट जाएगा। वैसे कैंसिल ऐसे काटने का जरूरत नहीं होता है क्योंकि ये कट नहीं रहा है एक्चुअली ये हमारा दोनों साइड क्या होता है ना किसी एक साइड चेंज करके भेजेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कट के वन हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर ये सब हट जाएगा कॉमन चीज तो बचेगा क्या आर टू दावर ट्वेंटी माइनस वन टू फोर्टी फोर फौर इन टू आर टू दावर टेन माइनस वन ठीक है ये हो गया आंसर अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो इसका थोड़ा सा ट्रिक है हम लोग आर्ट टू पावर टेन होल टू दी पावर टू लिख सकते हैं इसे देखो 20 को लिख सकते हैं आर टू दी पावर टेन होल टू दी पावर टू यहाँ पर अदरवाइज हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते और वन को लिख सकते हैं स्क्वायर एक ही बात है क्यों देखो पावर टेन, ये अगर टाइम्स लिख रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली आर टू दावर ट्वेंटी हो जाएगा और वन का स्क्वायर मतलब वन उसी चीज को हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा और इसी तरह से ही लिखना पड़ेगा अदरवाइज ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा ठीक है अब ये हो गया टू फोर्टी फोर आर टू दी पावर टेन माइनस वन अब हमारा फाइव क्या हुआ ऐसे लिख के अभी अभी थोड़ी देर पहले तुम को एक लिखवाया था A² -B². ये 7 का है ठीक याद हो जाएगा क्योंकि हम लोग सीखते हैं ना सीख है वो दूसरे बार देखने से वैसे ही रिकॉल हो जाता है तो ये देखो ऐसे हो गया अब हम लोग इसको फॉर्मूला में लिखेंगे A² -B². तो A, A मतलब ए प्लस बी तो यहाँ पर ए कितना है आर टू पावर टेन बी कितना है one, और, 10 one, तो 244 और 10 अब देखो फिर से ये दोनों साइड से ये हट जाएगा बचा क्या आर टू पावर टेन प्लस वन इक्वल टू टू फोर्टी फोर तो आर टू पावर टेन इक्वल टू टू फोर्टी फोर माइनस वन तो आर टू पावर टेन इक्वल टू टू फोर्टी थ्री ठीक है ये आ गया अच्छा अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब फिर से इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे 243 मतलब थ्री टू दी पावर फाइव इसको भी हम लोग फाइव के पावर में लिखेंगे बाहर हमारा फाइव होना चाहिए ताकि हम लोग कंपेयर करके इसको कुछ एक वैल्यू में ला सके ठीक है बाहर हमारा फाइव होना चाहिए तो अंदर कितना होगा अंदर टू हो जाएगा ठीक है क्यों क्यों ऐसा होगा ये भी देखो ये भी इंडिस का फॉर्मूला होता है फॉर्मूला क्या है मतलब लॉजिक है ये देखो जैसे टू टू पावर टू होल टू दी पावर थ्री इसका मतलब क्या हो जाएगा टू टू दी पावर टू जो है वो थ्री टाइम्स है ठीक है इसका मतलब टू टू पावर क्या हो जाएगा पावर अगर रहता है तो ये ऐड करके भी हम लोग लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा टू टू पावर पावर और इसको ऐसे ये फॉर्मूला मतलब ब्रैकेट में बाहर और अंदर पावर रहने से दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है सिमिलरली यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होने से टेन ही आएगा और हमारा बेनिफिट क्या हुआ हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वेर इक्वल टू थ्री देअर आर इक्वल टू रूट ओवर थ्री ठीक है प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ थ्री लिखना पड़ेगा क्यों क्योंकि आर इक्वल टू हम लोग लिख रहे हैं रूट थ्री अब रूट थ्री जो आ रहा है वो प्लस रूट थ्री भी हो सकता है माइनस रूट थ्री भी हो सकता है क्यों क्योंकि इंटू माइनस रूट थ्री में ये देखो माइनस रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री में भी थ्री होगा और प्लस रूट थ्री इंटू प्लस रूट थ्री में भी थ्री होगा इसी वजह से आंसर हमें हमेशा लिखना चाहिए प्लस माइनस रूट थ्री अब चेक करते हैं कौन सा आंसर होगा तो यहाँ पर प्लस माइनस रूट थ्री ये देखो ऑप्शन ए 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा अगर हम लोग सिर्फ रूट थ्री लिख देते हैं और ऑप्शन सी पे टिक करके आते हैं तो ये पूरा गलत हो जाएगा ठीक है ये गलत आंसर हो जाएगा ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सॉरी ये तो 17 किया एटीन क्वेश्चन नंबर 18 ठीक है इसमें क्या बोला है देखो क्वेश्चन नंबर 18 में सम ऑफ द सीरीज़ द नंबर ऑफ द टर्म सम ऑफ़ द सीरीज़ इज़ बता दिया है इस सीरीज का ये एक सीरीज है ठीक है ये सीरीज का सम ये है तो नंबर ऑफ टर्म्स ये सीरीज में कितने टर्म है वो तो हमें नहीं पता एक दो तीन चार उसके बाद तो हमें नहीं पता तो अगर ये सीरीज एंड टर्म तक भी है तो इसका एसेन होता है थ्री सिक्सटी फोर ठीक है इसका एसेन होता है थ्री सिक्सटी फोर अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग को पता है एसेन का मतलब होता है ए इन टू आर टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन एसेन का मतलब थ्री सिक्सटी फोर ठीक है ए का मतलब यहाँ पर ए का मतलब वन हो गया ठीक है पहला टर्म यानी कि वन आर आर फाइंड आउट कर लेंगे ठीक है आर फाइंड आउट हो जाएगा आर का मतलब एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म ठीक है एनी टर्म देखो थ्री और प्रीवियस टर्म वन ठीक है तो थ्री बाई वन यानी कि थ्री हो गया तो थ्री टू पावर एन और यहाँ पर हो गया थ्री माइनस वन ठीक है तो कैसे सॉल्व होगा मल्टीप्लाई करो तो थ्री टू दी पावर एन माइनस वन इक्वल टू थ्री सिक्सटी फोर इन टू तो थ्री सिक्सटी एट ठीक है अब ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 369 हो गया ठीक है 369 हो गया अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा ओ oh, सॉरी ये मैंने मल्टीप्लाई की जगह क्या कर दिया सेवन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी नाइन हो जाएगा ठीक है अब यहां से हमें ऐसे चेक करना चाहिए थ्री का कुछ बेस में हमें देखना पड़ेगा कि थ्री कितने बार मल्टीप्लाई करने से सेवन ट्वेंटी नाइन होगा ऐसा हो सकता है कि थ्री का कुछ मल्टीप्लाई में आ जाए और हमारा आंसर मिल जाए हम लोग चेक करके देख सकते हैं कि सेवन ट्वेंटी नाइन मिलेगा कि नहीं तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स हाँ थ्री टू दी पावर सिक्स में आता है सेवन ट्वेंटी नाइन यानी एन का वैल्यू सिक्स हो जाएगा ठीक है एन मतलब नंबर ऑफ टर्म यानी छह टर्म है ठीक है टर्म है इस सीरीज में तो बी ऑप्शन बी एटीन का हो जाएगा ऑप्शन बी ठीक है एटीन का ऑप्शन बी हो गया अच्छा नेक्स्ट देखते हैं नाइनटीन नंबर में क्या बोला है सेम वैसा ही एक क्वेश्चन बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द ये देखो द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इन जीपी इज 729 एंड सम ऑफ द स्क्वायर हंड्रेड द नंबर्स आर तो बोल रहा है कुछ नंबर्स जो जीपी रेशियो में है सॉरी हां जी जियोमेट्रिक प्रोग्रेस में है उसका नंबर ऐड करने से 729 ठीक है प्रोडक्ट करने से सम करने से 819 नंबर्स तो कौन से नंबर जीपी में ये तो जीपी में नहीं दिख रहा है मुझे देखो क्योंकि 9 को डिवाइडेड बाय 3 करने से 3 आता है फिर 3 को डिवाइडेड बाय 3 करने से तो 27 नहीं आएगा तो ये आंसर नहीं होगा 27 को अगर हम लोग डिवाइडेड बाय कितना करने से थ्री आएगा हम 27 ये देखो थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेंटी मतलब वन बाई नाइन से डिवाइड करेंगे तो थ्री आएगा लेकिन थ्री को वन बाई नाइन से डिवाइड करें मतलब डिवाइडेड बाय वन बाई नाइन अगर करेंगे तो ये नाइन नहीं आएगा ये हो सकता है ये देखो थ्री इंटू थ्री ठीक है और यहाँ पर नाइन इंटू थ्री तो इसका जीपी रेशियो कैलकुलेट करके देखो मतलब कॉमन रेशियो ठीक है आर कैलकुलेट करके देखो थ्री आएगा तो थ्री इंटू थ्री नाइन नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन यानी ऑप्शन सी हो जाएगा नाइनटीन का आंसर यहाँ से देख के कैलकुलेट कर सकते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नाइनटीन का ऑप्शन हो जाएगा थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन क्योंकि यही वाला एक नंबर है जो जीपी में दिया है बाकी सारे नंबर सेम है देख सकते हो हर एक ऑप्शन में थ्री है नाइन है ट्वेंटी सेवन है थ्री है नाइन है ट्वेंटी सेवन है और ये सबको ऐड और मल्टीप्लाई करने से ये और ये आंसर ही आएगा लेकिन जीपी में भी तो होना चाहिए तो उसका हम लोगों ने चेक कर लिया ठीक है अच्छा अब यहाँ पर देखो ट्वेंटी ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है द सम ऑफ द सीरीज टू दीरीज ये सीरीज कितने टर्म्स तक है एन टर्म्स है इसका सम कैलकुलेट करने बोला है यानी एस ऑफ कैलकुलेट करने बोला है देखो कैसे होगा एस ऑफ एन हो जाएगा ए इन टू आर टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइडेड ए का मतलब कितना हो जाएगा प्रीवियस टर्म वन है तो टू बाई वन तो टू ठीक है टू बाई वन का मतलब हो गया टू तो यहाँ पर हो गया टू टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस वन तो इसको सॉल्व करो वन टू टू दी पावर एन माइनस वन और ये हो गया वन <clears throat> तो यहाँ पर टू टू पावर एन माइनस वन तो ट्वेंटी का आंसर हो गया टू टू दी पावर एन माइनस वन यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा ठीक है ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा क्योंकि यहां पर हमें टर्म्स तक ही पूछा था इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा था ठीक है अच्छा अब नेक्स्ट देखो ट्वेंटी <coughs> मतलब जो का सम तो क्या होता है वो फॉर्मूला मैंने नहीं बताया अभी बता देते छोटा सा फॉर्मूला है देखो और इससे क्वेश्चन भी करवा देंगे तो सम ऑफ इनफिनिटी जैसे सम ऑफ एन लिखते ये का साइन है तो वो हो जाता है फॉर्मूला a डिवाइडेड बाय 1 r ठीक है ये फॉर्मूला होता है जैसे परपिटुइटी का होता है ना उसी तरह से a डिवाइडेड बाय 1 r तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो क्वेश्चन नंबर 21 में है देखो 21 में क्या बोला है द सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी तो a कितना है 14 ठीक है यहां पर a कितना है a है 14 वन माइनस आर आर कितना है एनी टर्म डिवाइडेड बाई फोर्टीन ठीक है तो यहाँ पर कितना हो माइनस ऑफ टू बाई फोर्टीन ये ध्यान रखना है कि माइनस में आंसर आ रहा है तो फोर्टीन और ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा टू बाई फोर्टीन तो ये हो गया फोर्टीन यहाँ पर फोर्टीन लिखेंगे ट्वेंटी एट तो फोर्टीन यहाँ पर हो गया तो तो इसका कितना मल्टीप्लाई हो, हो मतलब ये कैंसिल हो जा रहा है ठीक है तो ये फोर्टीन बाई थ्री हो जा रहा है मेरे हिसाब से देखते फोर्टीन बाई थ्री कोई ऑप्शन है फोर्टीन बाई थ्री एंड वन बाई ये ट्वेल्व हो, हो रहा है ये हो रहा है अच्छा ठीक है, है तो फिर इसको कैंसिल नहीं करते देखते कैसे ऑप्शन में हमारा आंसर आ रहा है हम लोग इस तरह से चेक कर लेते हैं फोर्टी फोर फोर्टीन इंटू फोर्टीन डिवाइडेड बाई फोर्टी टू पॉइंट में निकाल लेते नहीं तो फिर टैली करवाना मुश्किल हो जाएगा फोर पॉइंट सिक्स सिक्स आ रहा है अच्छा एक सेकंड क्या गलत हो गया है कुछ फोर्टीन और ये हो गया है टू बाई फोर्टीन टू बाई फोर्टीन वाय फोर्टीन और ट्वेंटी 28 ठीक है फोर्टीन प्लस ट्वेंटी एट फोर्टीन प्लस ट्वेंटी एट तो ये कितना हो जाएगा फोर्टी टू हाँ फोर्टी टू सही है फोर्टी टू बाई फोर्टीन अच्छा ये ये फोर्टीन ऊपर चला गया नीचे फोर्टी टू आ जाएगा अच्छा ठीक है हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन ए में है फोर एंड वन बाई ट्वेल्व फोर्टी नाइन बाई ट्वेल्व तो नीचे ट्वेल्व रख लेते हैं ट्वेल्व 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 से होगा क्या फोर्टी नाइन बाई ट्वेल्व पहला ऑप्शन दूसरा है फोर्टी नाइन बाई फोर दूसरा ऑप्शन है फोर्टी नाइन बाई फोर हम लोग डिवाइड करके देख लेते कितना होगा फोर्टी नाइन बाई फोर ठीक है यह आ रहा है ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव आ रहा है ठीक है ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव आ रहा है इसका आंसर आ रहा है ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव ठीक है और फोर्टी नाइन बाई ट्वेल्व पहले ये दोनों पे चेक कर लेते हैं फोर्टी नाइन बाई ट्वेल्व फोर पॉइंट जीरो एट आ रहा है ये आ रहा है फोर पॉइंट जीरो एट चेक करते हैं ये दोनों ऑप्शन में से कोई जा रहा है कि नहीं अच्छा यहां पर हो गया फोर्टीन और इंटू फोर्टीन डिवाइडेड बाय फोर्टी टू फोर पॉइंट सिक्स सिक्स आ जा रहा है ऑप्शन लेकिन बी है तो बी से टैली होना चाहिए ना मैंने क्या गलती कर दिया आ, ये जीपी फोर्टीन है माइनस टू है मैंने तो सारा ही सही लिखा है ऊपर फोर्टीन हो जाएगा माइनस 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 में प्लस टू बाई फोर्टीन ठीक तो है फिर प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है फोर्टीन यहाँ पर भी फोर्टीन हो जाएगा और ये ये मैंने क्या कर दिया ये ट्वेंटी एट थोड़ी ना होगा गलत जगह पे कैलकुलेशन ये देखो ये 14 हो गया ये तो टू ही रहेगा ना मैंने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया सिक्सटीन ठीक है तो ये यहाँ नीचे सिक्सटीन आ जाएगा अब होगा अब ठीक हो जाएगा यहाँ पर मैंने ट्वेंटी एट कर दिया था गलती से सिक्सटीन ठीक है अब ये फोर्टीन इंटू फोर्टीन डिवाइडेड बाई हैं मिल जाएगा फोर्टीन इंटू फोर्टीन डिवाइडेड बाई 16

टू और ट्वेंटी थ्री ठीक है ट्वेंटी टू वाला भी हो जाएगा ट्वेंटी टू है इन फाइन ठीक है वैसे ही दिया है तो देखो ट्वेंटी टू वाला कैसे होगा एस ऑफ इंफिनिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई वन माइनस आर फॉर्मूला ये वाला बन गया ठीक है ए का वैल्यू कितना है देखो इस सीरीज में ए का वैल्यू है वन वन माइनस आ, यहाँ पर है वन है ये कॉमा होगा ठीक है वन कॉमा माइनस वन बाई थ्री है मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है सीरीज प्लस क्या हुआ है मतलब जैसे यहाँ पर प्लस फॉर्म में लिखा हुआ है ना वैसे यहाँ पर प्लस फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि डिजिट में आगे माइनस था तो वो माइनस हो हो रहा है ठीक है तो पहला नंबर है वन ए का वैल्यू है वन ठीक है ए का वैल्यू वन हो गया आर क्या हो जाएगा एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म एनी टर्म का मतलब माइनस वन बाई थ्री ठीक है एनी टर्म का मतलब माइनस वन बाई थ्री डिवाइडेड बाय उसके प्रीवियस टर्म वन हो जाएंगे ठीक है उसके प्रीवियस टर्म वन हो गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री आर का वैल्यू तो वन माइनस माइनस ऑफ वन बाई थ्री ठीक है तो वन वन प्लस वन बाई थ्री तो वन और यहाँ पर हो गया थ्री 4 by 3, तो ठीक है अब देखते हैं किस पैटर्न में आंसर दे रखा 22 का अच्छा पॉइंट तो पे दे तो तो अच्छा होता है हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाते पॉइंट सेवन फाइव है तो पॉइंट सेवन फाइव मतलब ऑप्शन सी ठीक है पॉइंट सेवन फाइव मतलब ऑप्शन सी अगर पॉइंट दे देता है तो बहुत ही जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा अच्छा और इसके बाद 23 23 में बोला है द नंबर ऑफ द टर्म्स टू बी टेकन सो दैट ये जो सीरीज है विल बी 8191 द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन ऐसे करके नंबर्स हमें लेने हैं ताकि इसका एडिशन 1 plus 2 plus 4 plus 8 ये ऐसे करते-करते 8191 हो जाए हम लोगों को कितना ऐसा टर्म लेना पड़ेगा ताकि प्लस करते-करते 8191 हो जाए ठीक है तो इसका मतलब ये सम दे रखा है ये सम दे रखा है तो देखो ऐसे हो जाएगा एस ऑफ एन क्या होता है ए इन टू आर टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन ठीक है तो एट वन नाइन वन हो जाएगा तो हम लोगों का सीरीज में पहला टर्म क्या है वन है तो ए का मतलब हो गया R का पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन 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 कैंसिल एट वन नाइन वन टू टू पावर एन माइनस वन अब ये इधर आएगा तो एट वन नाइन टू हो जाएगा और टू टू पावर एन ठीक है अच्छा टू को कितने बार मल्टीप्लाई करने से ये आएगा हमें ट्राई करके देखना चाहिए तो टू इन टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एट वन नाइन टू थर्टीन टाइम्स में आ रहा है ठीक है थर्टीन टाइम्स में आ रहा है तो टू टू दी पावर थर्टीन कर लो तो एन का वैल्यू

थर्टी सिक्स इंटू थर्टी सिक्स बाई टेन ये कभी भी हंड्रेड एट नहीं हो सकता है ठीक है तो ऑप्शन सी भी हमारा जीपी नहीं है तो ऑप्शन ए से ही हो जाएगा चेक करके देखने का जरूरत नहीं है मतलब वो टी वन टी टू टी थ्री टी फोर ऐसे लिख के करने का जरूरत नहीं है ठीक है ये ट्वेंटी फोर का ऑप्शन ए हो जाएगा सिंपल तुम लोग यहाँ से चेक कर लो जो जीपी सीरीज में है वही तुम लोग का आंसर होगा तो ट्वेंटी फोर का भी तुम लोग चाहो तो घर पे चेक करके देख सकते वैसे हो वैसे ऑप्शन ए होगा हम लोग का ठीक है इसको इलेबोरेटली करके देख सकते हो अपने तसली के लिए बट जरूरत नहीं है तो ये हो गया

नेक्स्ट दिन इस पे आंसर दे पाओ नेक्स्ट दिन हम लोग तुम, हम जो है तुम लोगों से पूछेंगे ठीक है कैसे करके करना है ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं